Welcome in the next unit of inorganic chemistry, that is the coordination compound. In coordination compound, first of all, we will discuss about their brief introduction, okay, what are the coordination compounds, followed by their IUPAC naming, ki coordination compounds ki different IUPAC naming bhi hoti hai. फिर कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है डिफरेंट उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में सो इन द चैप्टर दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स सो व्हाट आर एडिशन कंपाउंड्स What are addition compounds? जैसे कि आपको नाम से बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि एडिशन मीन्स कुछ चीजों को आपको एड करना है सो द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग टू और मोर कंपाउंड आर कॉल्ड एज द एडिशन कंपाउंड्स द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग टू और मोर कंपाउंड आर कॉल्ड एज द एडिशन कंपाउंड आप उन्हें एडिशन कंपाउंड कहेंगे अब ये जो एडिशन कंपाउंड बनते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स द फर्स्ट वन जो आपके चैप्टर का नाम है दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो आपके कंपाउंड जो बनेंगे वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और हो सकता है वो जो आपके कंपाउंड है वो आपके डबल सॉल्ट बन जाए सो द कंपाउंड में बी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दे में बी द डबल सॉल्ट अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है यहाँ पे कि आखिर जब ये दो कंपाउंड बनेंगे तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि जो दो कंपाउंड बने हैं उनमें से कौन आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कौन आपका डबल सॉल्ट है तो उसके लिए सबसे पहले हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखेंगे ताकि इनके बीच डिफरेंस के जो पॉइंट है वो आप देख पाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब भी हम रिप्रेजेंट करें फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा K4FeCN6 फिर हमने देखो ब्रैकेट भी लगा दी FeCN6 को स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया ऐसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं डबल सॉल्ट का FeSO4 जो फेरस सल्फेट डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O ये जो कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एज द मोहर सॉल्ट इसे आप मोहर सोल्ट कहते हैं आपने टाइट्रेशन के दौरान यूज किया होगा अब दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखता है डिफरेंस लिखने के लिए हम क्या करते हैं दोनों कंपाउंड्स के अंदर हमने क्या किया हमने वाटर ऐड किया तो जैसे हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने के बाद हुआ क्या जो K4FeCN6 जो कंपाउंड था ये डिसोसिएट देखो कैसे होगा 4K पॉजिटिव क्योंकि पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होगा प्लस स्क्वेयर ब्रैकेट वाले पार्ट का फर्दर आयनाइजेशन नहीं हुआ मींस FeCN6 देखो ब्रैकेट इनक्लोज्ड अब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा देखो टोटल आपको दिख रहा है 4 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा 4 नेगेटिव बिकॉज द जो सोल्यूशन होगा वो भी ओवरऑल न्यूट्रल ही होना चाहिए मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज और इसके आगे आप 1 लिख देंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है जब हम ये जान लेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं उसके बाद वैसे मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख दी है जिससे आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख भी रहा है कि टोटल आयंस कितने प्रोड्यूस हुए एग्जाम में ऐसे काफी बार आ चुका होता है क्वेश्चन कि टेल अबाउट द टोटल नंबर ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड इफ वी एड K4FeCN6 इन द वाटर तो K4FeCN6 को जब आपने वाटर में एड किया तो देखो 4 तो आपके पास कौन है के पॉजिटिव आयंस 4 आर दी के पॉजिटिव आयन ये 4 है आपके पास और 1 कौन है आपके पास दैट इज द FeCN6 4 नेगेटिव दैट इज 1 सो द टोटल आयंस आर 5 इन नंबर सो जो टोटल आयंस आपके पास यहां पे प्रोड्यूस हुए दीज आर 5 इन नंबर वो 5 मोल्स हैं क्योंकि जब भी हम किसी रिएक्शन को स्टडी करते हैं उसको रीड आउट करते हैं तो आप मोल्स की फॉर्म में ही करते हैं जैसे मैंने अभी आपके सामने बोल दिया टोटल आयंस दीज आर 5 इन नंबर तो मींस इन एक्चुअली अगर आप इसको बोलेंगे तो मोल्स की फॉर्म में बोलेंगे तो टोटल मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आर 5 मोल्स ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द K4FeCN6 इज एडेड इन द वाटर सिमिलरली जब आपने डबल सॉल्ट को पानी के अंदर आपने डाला वाटर के अंदर तो क्या हुआ जो देखो जो आपके पास FeSO4 है इसका डिसोसिएशन हुआ Fe प्लस SO4
अब ये आप जानते हैं कि SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना होता है, दैट इज द 2-, एंड क्योंकि आपका जो चैप्टर होता है रिडॉक्स रिएक्शन, उसके दौरान आपको जितने भी स्पीसी होती हैं, जितने भी काउंटर आयन होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स, उन सभी की वैलेंसी के बारे में, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको याद कराया जाता है। तो उसके दौरान आप ये सारी बातें सीख चुके होते हैं कि सल्फेट आयन जो होता है SO4 उसके ऊपर 2- चार्ज होता है, सल्फाइट आयन होता है SO3 तो उसके ऊपर 2- चार्ज होता है। तो सारी चीजें आप रिडॉक्स रिएक्शन वाले यूनिट के अंदर सीख के चलते हैं। तो SO4 के ऊपर अगर 2- चार्ज है तो अंडरस्टूड सी बात है Fe के ऊपर 2+ ही चार्ज होगा, क्योंकि सब्सटेंस ओवरऑल न्यूट्रल होता है। इस चीज को आप हमेशा माइंड में रखें, द सब्सटेंस शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल वन, कंप्लीट न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली फर्दर आपके जो अमोनियम सल्फेट है, इसका भी क्लीवेज हुआ, इसका डिसोसिएशन हुआ, तो देखो 2NH4, अभी हम चार्ज नहीं लिख रहे। उसके बाद SO4 तो 1 ही है, तो 1SO4, देखो इसके आगे हम 1-1 भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो SO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो जो इधर NH4 है इसका चार्ज देखना हो कितना होगा, क्योंकि दीज आर टू ही नंबर, 2 हमने पहले लिख दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +1, क्योंकि अब 2+ हो गया, 2- सब्सटेंस इज न्यूट्रल, प्लस वाटर तो वाटर ही रहेगा, +6 वाटर मोलिक्यूल्स, तो वाटर तो वाटर के अंदर ही इंक्लूड हो गया। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो आयन्स देखो प्रोड्यूस हुए यहाँ पे वो कितने हैं, 1 Fe+2 आयन, जिसे आप फेरस आयन कहते हैं, 1 सल्फेट आयन, 2 अमोनियम आयन, और उसी टाइप से एक और सल्फेट आयन। सो द टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस आर 1, 2, 2, 4+5, टोटल आयन्स आर 5। तो जो टोटल मोल्स ऑफ आयन्स प्रोड्यूस हुए यहाँ पे, दीज आर 5 ही नंबर, वो भी यहाँ पे 5 ही है। तो डबल सोल्ट कौन था, विच गेट डिसोसिएट टू ए लार्जर एक्सटेंट। देखो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि अगर FeCN6 फर्दर डिसोसिएट हो जाता तो क्या होता, तो उसके अंदर से Fe अलग हो जाना चाहिए था, 6CN नेगेटिव आयन अलग हो जाने चाहिए थे, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, देखो ये अलग हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मीन्स ऐसी प्रोसेस नहीं चली। हमें टोटल नंबर ऑफ जो आयन्स थे जो मिले सॉल्यूशन के अंदर वो कितने मिले, दीज आर 5 नंबर, 4K पॉजिटिव आयन +1 आपके FeCN6 4- आयन, ये 1 ही मिला, इसका फर्दर डिसोसिएशन नहीं हुआ। तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं विच डू नॉट डिसोसिएट टू ए लार्जर एक्सटेंट, मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं विच डिसोसिएट्स टू ए स्मॉलर एक्सटेंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इनके डिसोसिएशन के बेसिस के ऊपर आप इनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कितना होता है, टू ए स्मॉलर एक्सटेंट। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाए वो कौन से एडिशन कंपाउंड है विच डिसोसिएट टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, तो आप लिखेंगे दीज आर दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वो कौन से कंपाउंड होंगे विच डिसोसिएट्स टू ए लार्जर एक्सटेंट, वो आपके डबल सोल्ट होते हैं, विच डिसोसिएट कंप्लीटली कहें, बल्कि आप विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, जो आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जो आयंस के अंदर क्या होंगे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, विच डिसोसिएट 100% कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो आपके डबल सोल्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपके कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है इट हैज टू पार्ट, डबल सोल्ट जो होता है इसके अंदर टू पार्ट किस बेसिस के ऊपर हम बता रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने देखा वन पार्ट ऐसा था जिसे आपने कहा आयनाइजिंग पार्ट, वन इज द आयनाइजिंग पार्ट, और अदर पार्ट ऐसा भी तो है जो आपका डिसोसिएट ही नहीं हुआ। आयनाइजिंग पार्ट कौन है, देखो ये जो 4K पॉजिटिव जो स्क्वेयर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है, द पार्ट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वेयर ब्रैकेट, देखो ये वाला पार्ट, That is the ionizing part. ये ionizing part है। और जो second part था जो square bracket के अंदर है, देखो ये part, ये आपका non ionizing part है यहाँ पे, क्योंकि ये dissociate हुआ ही नहीं, that is the non ionizing part. तो जो coordination compound होते हैं उनके अंदर two parts होते हैं, one is the ionizing part and other one is बोलो कौन सा, non ionizing part. Second non ionizing part भी इसके अंदर present होता है, जबकि आपके जो डबल सोल्ट होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयनाइजिंग पार्ट होता है, उसके अंदर नॉन आयनाइजिंग पार्ट नहीं होता। तो जो डबल सोल्ट होते हैं क्योंकि डिसोसिएट कंप्लीटली, इट हैज ओनली आयोनाइजिंग पार्ट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयनाइजिंग पार्ट ही होता है। तो इस टाइप से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं,
ऑर्डिनेशन कंपाउंड को और डबल सोल्ट को। एग्जाम्पल भी जरूर याद रखने आपको, जैसे मोहर सोल्ट का आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक इसके बाद आप एक एग्जाम्पल और भी याद कर लेंगे आपके डबल सोल्ट के लिए, वो एग्जाम्पल बोलो कौन सा होगा? वो आपके पास होता है पोटाशियम, जिसे आप फिटकरी भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोटाश एलम। पोटाश एलम कहते हैं आप इसे, नाम से ही क्लियर हो जाता है इसके अंदर के पोटाश एलम के अंदर टू पार्ट है, वन इज द पोटाशियम पार्ट, अदर वन इज द एल्यूमिनियम पार्ट। तो पोटाशियम पार्ट से कौन बना? पोटाशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिना मींस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O। तो मींस ये आपकी फिटकरी पोटाश एलम का फार्मूला होता है। पोटाश एलम आपका क्या होगा? इट ऑल्सो गेट डिसोसिएट टू ए लार्जर एक्सटेंट, मींस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और भी होंगे, तो अब हम फुल डिटेल जिन कंपाउंड्स की अब देखेंगे, वो कोई और नहीं, वो आपके सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे जो आपका चैप्टर है, उसी की अब हम फर्दर डेफिनेशन भी लिखेंगे जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो नेक्स्ट आवर मेन हेडिंग ऑफ द चैप्टर, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब आपने जब ये नाम देखा यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस नाम के अंदर से जो चीज डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज द कोऑर्डिनेट, जो शब्द है यहाँ पे मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आखिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा किन और किस चीज के बीच? कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो उसमें सबसे पहली मस्ट कंडीशन है कि आपके पास एक मेटल एटम होना जरूरी है। वी मस्ट हैव एन मेटल एटम और द मेटल आयन। और जो ये मेटल एटम या आयन जो शब्द हमने यूज किया, उसकी एडवांटेज आपको बताते हैं। मेटल एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल जरूर हो। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको ध्यान होगा, हमने क्वेश्चन भी लिखा था, व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्सेस। तो मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक दूसरी स्पीसीज होनी चाहिए जिन्हें आप लिगेंड्स कहेंगे। लिगेंड कैसी स्पीसीज होंगी? द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कॉल्ड एज द लिगेंड्स। तो कोई आपसे ये पूछे कि हाउ विल यू डिफाइन द लिगेंड्स, हाउ विल यू डिफाइन द मेटल एटम, तो एक दूसरे के कोरस्पोंडेंस में हम इनको यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेटल एटम को हम एम से प्रेजेंट करेंगे। इसके पास देखो, मैंने ये वैकेंट ऑर्बिटल दिखा दिया, देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे। मेटल एटम को एम से रिप्रेजेंट किया आपने, इसके साथ हम लिगेंड्स को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मीन्स इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये लिगेंड क्या करेगा? इट विल एक्ट एज ए डोनर, ये डोनर की तरह काम करेगा यहाँ पे। मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो लिगेंड ने क्या किया, देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बना दिया, देखो अपने लोन पेयर देखो डोनेट किए, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। जरूरी नहीं है कि मेटल एटम के पास इसी टाइप से एक ही वैकेंट ऑर्बिटल होगा, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल एक से ज्यादा ही होंगे, तभी तो स्ट्रक्चर बनेगी किसी भी कंपाउंड की। जो आपने पहले पढ़ चुके होते हैं आप केमिकल बॉन्डिंग वाली यूनिट के अंदर, द स्ट्रक्चर में भी द टेट्राहेड्रल, में भी द स्फीयर प्लेनर, में भी द ऑक्टाहेड्रल एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है। तो कितने बॉन्ड होते हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं, अब भी पढ़ेंगे आप इस यूनिट के अंदर। ये हम सिर्फ बेसिक बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते कौन है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कंपाउंड होंगे, तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स इन विच, बोलो जिसके अंदर क्या होगा, इन विच देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड between central metal atom। हमने ये central word क्यों use किया? Central word इसलिए use किया कि ये center में होगा और सारे जो neighboring atoms हैं वो कौन होंगे, जिसे आप ligands कहेंगे, वो coordinate bond बनाएंगे। Central atom वो atom होता है which forms the maximum number of bond, जो सबसे ज्यादा bond बनाता है आप उसे central atom कहते हैं, और जो कम bond बनाते हैं वो आपके neighboring atom होते हैं। तो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच देर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स। तो आप उसे क्या कहते हैं,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे या कॉम्प्लेक्सेस आप उसे कह देंगे। और सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, विच फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, और लिगेंड कौन होंगे, विच फॉर्म द लेस नंबर ऑफ बॉन्ड एज कंपेयर टू द मेटल एटम। कई बार पहचान में ना आए कि कौन मेटल एटम है कौन लिगेंड है, वैसे तो डायरेक्टली आपको पहचान में आ ही जाता है, लेकिन फिर भी ये बेसिक चीज आपको बताई है, वो एटम जो आपको दिखाई दे, कोई स्ट्रक्चर ड्रा करके आपके सामने दे दें। फॉर एग्जांपल देखो, एक स्ट्रक्चर ड्रा करके देता हूं मैं आपके सामने, ये एफ ई मैंने लिख दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो मैंने बना दिया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, मैंने देखो सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, क्योंकि मान लीजिए सिक्स साइनाइड आयन आ गए, देखो यहाँ पे सिक्स सी ए नेगेटिव आयन, सिक्स सी ए नेगेटिव आयन तो सिक्स बॉन्ड बन गए, और ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सिक्स बॉन्ड बने आप उसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। बाहर देखो मैंने ब्रैकेट भी लगा दी, देखो अभी मैंने एक नाम लिखा था K4, ये मैंने K4 लिख दिया, K4 बाहर है, FeCN6 है, FeCN6 को मैंने स्ट्रक्चर की फॉर्म में शो किया है जिसमें सेंट्रल एटम कौन है। अब मैं आपसे पूछूं कि विच इज द सेंट्रल एटम, आयरन या साइनाइड आयन, तो आप कहेंगे आयरन, क्योंकि बेसिक तरीका मैंने बता दिया, द एटम विच फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑल अदर आर द नेबरिंग एटम्स एंड द नेबरिंग एटम हियर आर कॉल्ड द लिगेंड्स, अपने लिगेंड्स कहते हैं। तो अब लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो मैंने साइड में ये डेफिनेशन लिख रखी है इधर लिगेंड्स, अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिख देते हैं, अधूरी लिखी थी मैंने, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जो क्या करती है, बोलो क्या करती है, विच फॉर्म्स लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, विच फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो तो पहचान करने का तरीका है कि जो कम बॉन्ड बनाते हैं, आपको दिख रहा है एक साइनाइड ने एक ही बॉन्ड बनाया है, जबकि आयरन ने छह बॉन्ड बना रखे हैं, तो आयरन एक सेंट्रल एटम है, सी ए नेगेटिव एक नेबरिंग एटम है, नेबरिंग स्पीसी है, वो लिगेंड है, तो लिगेंड कौन है, सी ए नेगेटिव आयन, उसने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, विच फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद, बोलो किसके साथ बनाया, विद द सेंट्रल मेटल एटम, विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये डेफिनेशन बन जाती है, एग्जाम में काफी बार आ जाती है, एक या दो डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में अभी आनी ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। तो लिगेंड आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। सिमिलरली कोई आपको ये कह दे कि बट हाउ विल यू डिफाइन द टर्म मेटल एटम और द मेटल आयंस, तो मेटल एटम या मेटल आयंस को बिल्कुल इसी टाइप से आप डिफाइन कर देंगे जो अभी लिगेंड की आपने डेफिनेशन देखी, बिल्कुल उसी फॉर्म में, कि सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, बताओ कौन होता है, द मेटल एटम विच फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द एटम विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विच फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड्स या विद द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी एक दूसरे की रेसिप्रोकल है ये डेफिनेशन, इज कॉल्ड द सेंट्रल मेटल एटम। ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे की डेफिनेशन में दोनों शब्दों को हम यूज करेंगे ही। तो ये आपने डेफिनेशन देखी लिगेंड्स की, और इधर आपने देखी सेंट्रल मेटल एटम की। उसके बाद नेक्स्ट एक डेफिनेशन यहीं पे जो अब हमें दिख रही है, आपको क्या दिखाई दिया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर हम ये पूछें कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, एक हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, वन पार्ट दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट, देखो आउटसाइड द ब्रैकेट आपको इसमें कौन दिख रहा है, देखो K4, ये आपका आयोनाइजिंग पार्ट है, ये मूवेबल पार्ट है, दैट इज द आयोनाइजिंग पार्ट, मूवेबल पार्ट है, और जो पार्ट मूव होता है वो उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर ही नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो कैसी का मतलब उन एटम की पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए, वो मूवेबल मोड के अंदर ना हो। तो आपने दिख रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट जिसे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यहाँ पे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, वन इज द मेटल एटम, तो मेटल एटम तो बोलो कौन है यहाँ पे, Fe इज द मेटल एटम, Fe यहाँ पे मेटल एटम है, और जो सी ए नेगेटिव है बोलो वो कौन है यहाँ पे, दीज आर द लिगेंड्स। अब इन सभी की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, Fe की पोजीशन फिक्स है, Fe के चारों तरफ जो साइनाइड आयन है उनकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है, इस टाइप से पोजीशन फिक्स हो चुकी है कि नाउ द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ऑक्टाहेड्रल, देखो ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बन गई है, नाउ द स्ट्रक्चर हियर इज द ऑक्टाहेड्रल।
तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसकी हमने ये कहा द स्ट्रक्चर इज ऑक्टेहेड्रल। कौन सा पार्ट ऐसा है जिसके बेसिस के ऊपर हम इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाए, आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग? तो ये जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे थे, जो स्फीयर ब्रैकेट वाला पार्ट है जो कि एक नॉन आयोनाइजिंग पार्ट है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, उसको जो एक्सप्लेन करता है वो कौन सा पार्ट, दैट इज द नॉन आयोनाइजिंग पार्ट। नॉन आयोनाइजिंग पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉन आयोनाइजिंग पार्ट किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर ही आपको देखना है सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जितने जो लिगेंड्स हैं उनका ओरिएंटेशन क्या है, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं कितने, 6 थे यहाँ पे सी एन नेगेटिव आयन, तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल हो गई। अगर 4 होते ये लिगेंड तो स्ट्रक्चर या तो टेट्राहेड्रल होती या स्क्वेयर प्लेनर हो जाती। तो इट मीन्स नॉन आयोनाइजिंग पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सप्लेन करता है उस कंपाउंड की ज्योमेट्री, उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में, तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फर्दर डिटेल के बारे में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन जो हमारे कंपाउंड होते हैं, इस कंपाउंड के अंदर जो दो पार्ट होते हैं हमारे, अभी हमने देखा, देखो दोबारा से मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, दैट इज द फर्स्ट वन, वही हम लिख देते हैं K4FeCN6। सेकेंड एग्जांपल हम लिख देते हैं CuNH3 4, ब्रैकेट क्लोज स्क्वेयर ब्रैकेट। ध्यान रखें ये ब्रैकेट आपको स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगानी, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते थे ना कभी, देखो ये स्मॉल ब्रैकेट होती है, ये स्क्वेयर ब्रैकेट होती है, एंड सो ऑन। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट ही यूज करनी है, दूसरी ब्रैकेट लगा दी तो वो आपकी रॉन्ग माना जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NiCO4। देखो ये डिफरेंट एग्जांपल हमने आपके सामने लिए हैं, ये रेयर एग्जांपल होते हैं आपके, जैसे मैंने लास्ट वाला लिखा आपके सामने, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट है। देखो सिर्फ ये पूरा कंपाउंड है NiCO4, इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही पार्ट दिख रहा है और वो पार्ट बोलो कौन सा है, दैट इज ओनली द नॉन आयनाइजिंग पार्ट। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं क्या कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके अंदर एक ही पार्ट दिखता हो और वो नॉन आयनाइजिंग हो, या आपसे ये पूछ लें क्या कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ आयनाइजिंग पार्ट दिखता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में मैंने इसीलिए कुछ बातें आपको पहले बता दी कि उस कंपाउंड की कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर होगी, और उस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी एटम उनकी पोजीशन फिक्स होनी जरूरी है। फिक्स कब होगी, जब वो पार्ट नॉन आयनाइजिंग होगा, क्योंकि आयनाइजिंग पार्ट तो मूवेबल होगा, तभी उसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो पाएगी, डिफाइन हो पाएगी। तो इट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक पार्ट का होना जरूरी है। अगर एक पार्ट वाला कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो वो एक पार्ट सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, आपका नॉन आयनाइजिंग पार्ट। वो कभी अकेला आयनाइजिंग नहीं हो सकता, या दोनों पार्ट होंगे, जैसे पहले वाले दो एग्जांपल हैं। जैसे पहले वाले एग्जांपल में आप देखें तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, देखो जो ब्रैकेट से बाहर दिखाई दे, आप ध्यान रखें वो हमेशा ही आपका आयोनाइजिंग पार्ट होगा, और जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे दैट विल बी द नॉन आयोनाइजिंग पार्ट। ये नॉन आयोनाइजिंग पार्ट हो गया, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है वो स्क्वेयर ब्रैकेट वाला है, स्क्वेयर ब्रैकेट वाले पार्ट को हमेशा ही नॉन आयनाइजिंग पार्ट कहते हैं, यही स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जो सेकंड पार्ट बच गया, देखो SO4, देखो बाहर जो स्क्वेयर ब्रैकेट के बाहर दिखे पार्ट, उसे आप आयोनाइजिंग पार्ट कहते हैं, दैट इज द आयोनाइजिंग पार्ट। तो अब क्वेश्चन यहां से फिर से बन गया ना, कि आप ये बताएं कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है उसके अंदर आयनाइजिंग पार्ट पहले होता है नॉन आयनाइजिंग? तो आप कहेंगे कोई भी पार्ट पहले हो सकता है, आयनाइजिंग भी पहले हो सकता है, नॉन आयनाइजिंग भी पहले हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है, वो क्या है, वो ये कि जो भी पार्ट पहले होगा दैट विल बी द पॉजिटिव पार्ट, वो पॉजिटिव पार्ट होगा, ये हमेशा ध्यान रखें, और जो बाद में होगा पार्ट दैट विल बी द नेगेटिव पार्ट। इट इज द बेसिक फैक्ट, ये बेसिक फैक्ट होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव वन। जैसे आपने नाम सुने ना, देखो बेसिक नाम बताते हैं, जैसे नमक घर में आप यूज करते हैं NaCl,
तो एन ए पॉजिटिव होता है, सीएल नेगेटिव। इसमें भी आप देखिए बड़े ध्यान से, एन ए पॉजिटिव है, सीएल नेगेटिव है, फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड पार्ट इज नेगेटिव विद सम एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन भी है, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे आप लिखते हैं सोडियम एसीटेट CH3COONA, तो CH3CO नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव पार्ट हम पहले लिख देते हैं, वो सिर्फ हमारी सहूलियत के अनुसार। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NaCH3COO नेगेटिव, लेकिन CH3COO नेगेटिव जो नेगेटिव पार्ट है, बल्कि पार्ट है, बल्कि पार्ट, इसीलिए इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड द फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द सेकेंड पार्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बेसिक फैक्ट है, इसको आप कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे ही सेकंड में आप देखें नॉन एनर्जिंग पार्ट, क्योंकि वो पहले है तो दैट इज द पॉजिटिव पार्ट, और जो पार्ट बाद में दिखेगा दैट विल बी द नेगेटिव पार्ट। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ बेसिक चीजें आप हमेशा ध्यान रख के चले। देखो कैसे, मान लीजिए आप भूल गए, हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव पार्ट है, तो आपने क्या किया, आपने आपका ध्यान गया पहले एग्जाम्पल के ऊपर, आपने पोटेशियम देखा, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ सीख चुके थे, आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, के नीचे सोडियम, के नीचे पोटेशियम होता है, और आप ये बात तो जानते ही है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज, और कोई भी एटम पीरियोडिक टेबल में जो स्टेबलाइज होता है वो कैसे होता है, इधर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है और सबसे स्टेबल ग्रुप जो पूरी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर देखो 18 होता है, क्योंकि इनकी फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्केशन होती है, तो इसमें कौन होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनोन, इस टाइप से, जैसे आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, तो जो पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, ये क्या करेगा, ये चाहता है मैं ग्रुप 18 जैसा हो जाऊं। ग्रुप 18 जैसा होने के लिए कौन सा नजदीक है, इसके 18 नजदीक है, तो क्या करेगा, इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, और लूज करते ही आर्गन जैसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्केशन हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। इट मीन्स पोटेशियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो लोग क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही साथ पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ चीजें अगर आप भूल भी जाएं तो भी आपको धीरे धीरे अपने पीछे की बेसिक फैक्ट हैं उनको आप जरूर ध्यान रखें। हर बेसिक फैक्ट हमें कुछ ना कुछ किसी भी हमारे क्वेश्चन को ठीक करवाने में वो हमेशा ही हेल्प करेगा, इसलिए बेसिक चीजों को कभी भी नहीं भूलना होता, इसलिए वो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। तो इसके बाद देखो ये बेसिक चीज आपने देख ली, कौन सा पार्ट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद कुछ चीजें और आपको साथ के साथ हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखो वो ये वो क्या है बातें। अब बात आपके मैंने ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग भी आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन उस IUPAC नेमिंग की कुछ कुछ बातें हम सिर्फ यहाँ पे बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और, कि जो नॉन आयनाइजिंग पार्ट होता है, नॉन आयनाइजिंग पार्ट, उस नॉन आयनाइजिंग पार्ट में स्क्वेयर ब्रैकेट वाला पार्ट, उस स्क्वेयर ब्रैकेट वाले पार्ट में जो सबसे पहले आपको लिखा दिखता है, देखो जो सबसे पहले लिखा दिखे वो कोई और नहीं, दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम, वो सेंट्रल मेटल एटम ही होगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe पहले वाले एग्जाम्पल में, और सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो स्पीसीज जितनी भी दिखें वो एक तरह की दिखें, एक से ज्यादा तरह की दिखें, जरूरी नहीं है कि CN6 सिर्फ CN ही दिखेगा, ऐसा भी तो हो सकता था कि Cl2, Br2, I2, क्या पता कितनी तरह की चीजें इकट्ठी होती। मान लीजिए 6 लिगेंड हमें लेने, CN6 लिख दिया, तो 6 चीजें कौन हो सकती है, Cl2, Br2, I2, ऐसा भी हो सकता था। कहने का मतलब जो सबसे पहले दिखे वो सेंट्रल मेटल एटम होगा, और उसके बाद जितनी चीजें आपको दिखेंगी दिस ऑल कॉल्ड एज द लिगेंड्स, वो सारी की सारी लिगेंड्स होंगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ऐसे दूसरे एग्जांपल में देखें तो स्क्वेयर ब्रैकेट में जो सबसे पहले आपको दिख रहा है बोलो वो कौन है, वो कॉपर दिख रहा है, तो कॉपर है तो दैट विल द सेंट्रल मेटल एटम, वो आपका यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम ही है और वो कॉपर है, यहाँ पे वो कॉपर है। और इसके बाद जितनी चीजें आपको दिखेंगी स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वेयर ब्रैकेट के बाहर नहीं, स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर, जैसे NH3-4 दिख रहे हैं, दिस कॉल्ड एज अ लिगेंड्स, वो आपके लिगेंड्स हैं। तो आपने ये अगली चीज सीख ली कि स्क्वेयर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, नॉन आयनाइजिंग जो पार्ट है, उसके अंदर सिर्फ दो ही तरह की स्पीसी होंगी, एक तो सेंट्रल मेटल एटम होगा और उसके और बची हुई स्पीसी सारी लिगेंड्स होंगी। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा वो हमने डेफिनेशन में देख लिया, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा, तभी तो इस कंपाउंड का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, बड़ी चीज बन जाती है, इसलिए इनको आप कॉम्प्लेक्सेस भी कह देते हैं। अब उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक बातें, वो देखो क्या है, वो बेसिक बातें ये हैं कि जो भी आपका मेटल एटम है उसका नाम कैसे बोले हम, एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द Fe इन दैट कंपाउंड,
ये जो कंपाउंड है K4FeCN6 जो पहला एग्जांपल है उसमें Fe का नाम बताएं, सिर्फ Fe का पूछ लेंगे आपसे, तो आप Fe का नाम कैसे बताएं, आप ये देखें कि इन विच पार्ट द Fe इज प्रेजेंट, इन विच पार्ट मीन्स पॉजिटिव पार्ट और द नेगेटिव पार्ट। आपने देखा कि Fe इज प्रेजेंट इन द नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट के अंदर कोई भी मेटल एटम हो तो उसके नाम के आगे देयर नेम एंड्स विद, देयर नेम एंड्स विद 8, जो इसका नेम है देयर नेम एंड्स विद 8, 8 से इसका नाम आप एंड करेंगे, ATE8 लिखेंगे इसके नाम के आखिर में। तो जैसे Fe है तो इस Fe का नाम यहां पे होगा फेरेट, फेरेट। कॉपर होता तो आप कहते क्यूपरेट, जिंक होता तो आप इसे कहते जिनसेट। मान लीजिए जिंक होता है यहाँ पे तो आप इसे जिंक नहीं कहते, आप इसे कहते जिनसेट। तो मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नाम क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि वेयर इट इज प्रेजेंट, वेदर इट इज प्रेजेंट इन द नेगेटिव पार्ट और द पॉजिटिव पार्ट। इफ इट इज प्रेजेंट इन द नेगेटिव पार्ट देन देयर नेम विल एंड विद द 8। आयरन है तो हमने लिखा फेरेट, जैसे मैंने बताया Cu होता तो आप इसे कहते क्यूपरेट, निकिल होता तो आप इसे कहते निकलेट, जिंक है तो आप इसे कहेंगे जिनसेट। इस टाइप से अगर सिल्वर होता तो आप उसे कहते आर्जिनेट एंड सो ऑन। इसी टाइप से गोल्ड होता तो उसे कहते ओरेट, AURATE, ओरेट। तो इस टाइप से जो डिफरेंट मेटल एटम हैं उनके नाम 8 से आप एंड करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखें, वहां पे देखो कॉपर कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है इन द पॉजिटिव पार्ट। देखो पॉजिटिव पार्ट के अंदर कॉपर प्रेजेंट है। इफ द मेटल एटम इज प्रेजेंट इन द पॉजिटिव पार्ट और इन द न्यूट्रल पार्ट, क्योंकि अगला जो एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना, जो लास्ट वाला एग्जांपल मैंने लिख रखा है ना, इस U4, दैट वॉल दैट आयनाइजिंग पार्ट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज द न्यूट्रल पार्ट, क्योंकि अकेला ही पार्ट है, ये अकेला ही पार्ट है, अकेला पार्ट हमेशा न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि देखो स्पीसी ओवरऑल न्यूट्रल होती है ना, पार्ट ही एक है तो वो न्यूट्रल ही होगा, उस पर कोई चार्ज है ही नहीं। देखो मैंने ऊपर जीरो लिख दिया इसके ऊपर, इट हैज नो चार्ज, तो इट इज द न्यूट्रल पार्ट। तो यहाँ पे भी मेटल एटम प्रेजेंट है, क्योंकि फर्स्ट जो स्पीसी होती है दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम, और जो बाद में जितनी स्पीसी प्रेजेंट है, जैसे CO है, तो CO मैंने गलती से यहाँ पे CO छोटा लिख दिया, आप इसको कैपिटल कर लेना यहाँ पे, बिकॉज दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप। अगर मैं सी बड़ा ओ छोटा कर दूंगा तो अदरवाइज वो कोबाल्ट बन जाता, तो गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाती। तो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे, दैट इज अ निकिल वन, वो निकिल है यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है अगर वो पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट हो या वो न्यूट्रल पार्ट के अंदर देखो प्रेजेंट हो, तो उसका जो नाम है वही लिखेंगे। जैसे Ni है तो निकिल लिखेंगे, आयरन होता तो कुप, आप Fe होता तो आयरन ही लिखते, Zn होता तो जिंक ही लिखेंगे, उसका नाम ऐसा लिखेंगे। जैसे Cu है यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में, तो आप इसको कॉपर लिखेंगे, आप इसे क्यूपरेट नहीं लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब नेमिंग करेंगे, आईपैक नेमिंग जो हम सीखेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले उसका नाम लिखते वक्त कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें जो हमारे दिमाग के अंदर रहनी चाहिए वो क्या है, वो यही है कि मेटल एटम को कैसे पुकारें, उसका नाम क्या लिखें। उसका नाम लिखने से पहले हमें ये सीखना जरूरी था कि वेयर इट इज प्रेजेंट, वेदर इट इज प्रेजेंट इन द पॉजिटिव और द नेगेटिव पार्ट। और किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव होता है, अगर अगर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो पार्ट हैं तो। लेकिन जैसे लास्ट एग्जांपल ऐसा एग्जांपल था जिसमें पार्ट ही एक था, और वो अकेला पार्ट हमेशा नॉन आयनाइजिंग पार्ट होता है, वो न्यूट्रल पार्ट होता है, तो उसके अंदर भी जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज सच लिख देंगे जो उसका होता है। तो ये तो हमने आपको सिखाया अबाउट द नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, कि उसको पुकारेंगे कैसे, उसको बोलेंगे कैसे, उसका नाम कैसे लिखेंगे ड्यूरिंग द IUPAC नेमिंग। अब उसके बाद अगली चीज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है कि जो सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पे प्रेजेंट था, नॉन आयनाइजिंग पार्ट के अंदर। वो नॉन आयनाइजिंग पार्ट के अंदर जो बाद में स्पीसीज प्रेजेंट है उन्हें क्या कहते हैं, दिस ऑल आर द लिगेंड्स। जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में भी मैं लिख देता हूँ, CO जो कार्बोनिल ग्रुप है, इन्हें आप लिगेंड्स कहते हैं, दीज आर लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करें, अब लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करें, तो वो तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स देखेंगे, उसके अंदर हम आपको सारी बातें बता देंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, लिगेंड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लिगेंड में भी द नेगेटिव लिगेंड, लिगेंड में भी द पॉजिटिव लिगेंड, लिगेंड में भी द न्यूट्रल लिगेंड। फिर आपके दिमाग में कुछ चीजें तो आपको यहाँ पे दिखी गई, जैसे CN, पहले एग्जांपल में देखें CN है, CN के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि आप सबसे पहले जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो आपकी छोटी क्लास थी
9th, 10th या 11th में कभी आपने आपका एक चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन जो आपने पढ़ा था, उसके दौरान आपको जितनी भी स्पीसीज होती हैं उन सभी स्पीसीज के ऊपर कितना होता है चार्ज, वो आप वहां पर सीख कर आते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आने से पहले आपको उन सारी चीजों का पता होना जरूरी है, लेकिन फिर भी जो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो आपको बताते जा रहे हैं। जैसे CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, माइनस का मतलब नेगेटिव लिगेंड है। तो जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, देखो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स, के लिगेंड्स आखिर कितने टाइप के हो सकते हैं, लिगेंड्स को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिगेंड्स को हम उसके चार्ज के बेसिस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि आखिर उसके ऊपर चार्ज कैसा है। अगर उस बेसिस के ऊपर देखें तो लिगेंड्स आपके नेगेटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं, लिगेंड्स आपके न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं कि अगर कोई चार्ज ही ना हो, लिगेंड्स आपके पॉजिटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बोला पॉजिटिव लिगेंड तो आपके दिमाग में एक बात एकदम आ जानी चाहिए, क्योंकि शुरू में जब आपको डेफिनेशन सिखाई गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उसके दौरान देखो आपने क्या सीखा था कि एक मेटल एटम होता है, उसके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एक लिगेंड्स होती है स्पीसी, उनके पास लॉन पेयर होता है, वो अपने लॉन पेयर को डोनेट करते मेटल एटम के ऊपर। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर मेटल एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज और आ जाए, जैसे मैंने एन पॉजिटिव लिख दिया, क्या पता कितना पॉजिटिव हो, तो ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा, क्योंकि मेटल एटम का काम है इलेक्ट्रॉन लेना, लेगा तब जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के साथ साथ अगर उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, नाउ इट हैज द नाउ मोर टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड्स, फिर वो लिगेंड से और भी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती, बोलो मेटल एटम कैसा हो, मेटल एटम का साइज छोटा भी होना चाहिए। देखो अब मैं तीन बातें यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि साथ के साथ आपको याद हो जानी चाहिए कि मेटल एटम कैसा हो। इसका पहली बात, इसका साइज कैसा हो, तो आप ध्यान रखें साइज स्मॉल होना चाहिए। दूसरी बात, इसके पास देखो वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तीसरी बात, इसके ऊपर हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर होना चाहिए, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जितना ज्यादा इसके ऊपर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही जल्दी ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा। जितना छोटा साइज होगा मेटल एटम का, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, लेगा तो तभी। तो मीन्स तीन बातें हैं, तो आपसे ये पूछी भी जा सकती है, व्हाट शुड बी द थ्री मेन क्वालिटीज इन द मेटल एटम टू फॉर्म एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द इनकमिंग लिगेंड्स, लिगेंड के साथ इफेक्टिवली अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले ताकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन पाए। उसके लिए मेटल एटम कैसा हो, मेटल एटम स्मॉल साइज का होना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले ले। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि लिगेंड्स की डेफिनेशन आपको बताई गई थी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो जो अभी मैंने आपको ये दोबारा बातें बताई इसलिए बताई कि जो मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं इसमें जो आखिरी शब्द है पॉजिटिव लिगेंड, कभी उसको देखकर आप पजल ना हो जाए, आपके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है लिगेंड पे, जब पॉजिटिव ही चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कहां से, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचने नहीं चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि देने के लिए तो लोन पेयर होने चाहिए। तो इसके लिए अब हम देखो आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखते हैं, पहले बताते हैं नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में, फिर हम पॉजिटिव लिगेंड की तरफ भी पहुंच जाएंगे। तो नेगेटिव लिगेंड कौन होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आपको दिखाई दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, सीएन नेगेटिव, ओएच नेगेटिव, ऑक्सलेट आयन, देखो सीओओ नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड सीओओ नेगेटिव जिसे ऑक्सलेट आयन कहते हैं, मींस ये ऑल आर द नेगेटिव लिगेंड, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है। न्यूट्रल लिगेंड वो होते हैं जिनके ऊपर आपको चार्ज दिखाई नहीं देगा लेकिन उनके पास लोन पेयर जरूर होंगे, जैसे सीओ जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं आप, ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, एनओ जिसे नाइट्रोसिल ग्रुप कहते हैं, उसके बाद वाटर H2O जिसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा, ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर होते हैं, अमोनिया NH3 जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, या जितने एमीन्स होंगे, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एमीन्स नाम का चैप्टर पढ़ा है, उसके दौरान आपने देखा था कि अगर अमोनिया जो NH3 है अगर इसका एक H हटा दें, एक R ग्रुप लगा दें, एक R देखो ऐसे, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर, एक R ग्रुप लगा दिया, दो H रह गए, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी एमीन, अगर दो R लगा दे सेकेंडरी एमीन, तीन R लगा दे तो टर्शियरी एमीन, दिस ऑल आर द न्यूट्रल लिगेंड्स। सिमिलरली एक कंपाउंड और जैसे हम आपको बता दें इथाइलीन डाइएमीन, इथाइलीन का है मैंने इथ, इथ वड़ाते ही दो कार्बन,
डाइअमीन का मतलब एनएच टू ग्रुप, देखो मैंने दो लगा दिए। और इस कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में अक्सर हम ई एन करके लिखते हैं, देखो ऐसे स्मॉल ई स्मॉल एन। जब भी आप अपनी पूरी बुक के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर कहीं पर भी ई एन आपको लिखा दिख जाए, जैसे ई एन तो इसका नाम होगा इथाइलीन डाइएमीन। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है, इस लिगेंड का क्या नाम होता है, इथाइलीन डाइएमीन। एनएच थ्री जैसे अमोनिया हो गया, एमीन बोलेंगे आप इसे। वाटर को एक्वा बोलेंगे, एनओ को नाइट्रोसिल बोलेंगे, सीओ को कार्बोनिल बोलेंगे। मीन्स जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जब भी हम इसका नाम बोलेंगे तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती। मैंने क्या बताया, जब भी न्यूट्रल लिगेंड को आप पुकारेंगे, अभी हम सीख रहे थे ना कि मेटल एटम को कैसे उसका नाम कैसे लिखेंगे। आपकी आईयूपीएसी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो देखो वो क्वेश्चन आना ही आना होता है आपके। तो जो आईपैक नेमिंग लिखेंगे तो उससे पहले ये तो पता हो ना किसको क्या लिखें, किसका क्या नाम है। जैसे मैं हमने सीखा मेटल एटम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिगेंड्स के बारे में हमें पता होना जरूरी है कि लिगेंड्स को लिखते कैसे हैं। तो लिगेंड लिखे कैसे, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि लिगेंड है कैसा, वो पॉजिटिव लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इनएक्टिव लिगेंड है, क्योंकि सभी की नेमिंग अलग तरीके से होती है। तो जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जब इसकी नेमिंग आप लिखेंगे, दे हैव नो स्पेसिफिक एंडिंग, इनकी कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती कि इनके, जैसे हमने देखा था कि मेटल एटम अगर नेगेटिव पार्ट में प्रेजेंट था तो फेरेट, जिंसेट, क्यूप्रेट लिखा था। यहाँ पे न्यूट्रल जो लिगेंड होते हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती, दे हैव नो स्पेसिफिक एंडिंग, इनका पर्टिकुलर नाम ही होता है। जैसे सीओ को कार्बोनिल ही बोलेंगे आप, कार्बोनिल कार्बोनिल। जो एनओ है उसको आप नाइट्रोसिल ही बोलेंगे, एनओ को आप कैसे बोलेंगे, नाइट्रोसिल, एन आई टी आर ओ एस वाई एल। एनएस थ्री को आप एमीन ही बोलेंगे, वाटर को आप एक्वा ही बोलेंगे, ए क्यू यू ए। इथाइलीन डाइएमीन, ईएन को इथाइलीन डाइएमीन पूरी स्पेलिंग लिख देंगे, इथाइलीन डाइएमीन ऐसे करके। तो मींस न्यूट्रल लिगेंड हैव नो स्पेसिफिक एंडिंग, लेकिन जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं इनकी स्पेसिफिक एंडिंग होगी, देयर एंड देयर नेम एंड्स विद द लेटर, बोलो क्या, ओ। ओ से इसका नाम होगा या ईडो से या ओ से, या तो ईडो से या ओ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल F को आप फ्लोरो भी बोल सकते हैं, F L U O R O, फ्लोरो, या फ्लूरिडो, I D O लिख देंगे, फ्लूरिडो, क्लोरो, क्लोरिडो या क्लोरो, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। B R को ब्रोमो या ब्रोमिडो, इसी टाइप से, तो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक होती हैं। तो मीन्स नेगेटिव लिगेंड की स्पेसिफिक एंडिंग होती है, नेगेटिव लिगेंड का जब भी आप नाम लिखेंगे तो इसकी स्पेसिफिक एंडिंग होगी। जैसे अभी आपको बताया गया CN नेगेटिव है तो उसे आप साइनो कहेंगे, तो O से बोला। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि नेगेटिव लिगेंड्स का जो नाम होता है दैट नेम एंड विद लेटर O या ईडो, इस टाइप से दोनों ही बिल्कुल करेक्ट होती हैं। पॉजिटिव लिगेंड के ऊपर अब हम पहुंच जाएं, लेकिन उससे पहुंचे उससे पहले एक एग्जांपल और देंगे हम आपको न्यूट्रल लिगेंड का, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन, जो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं, एनएच टू सिंगल बॉन्ड एनएच टू। अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, दूसरे नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये तो एक न्यूट्रल लिगेंड है। लेकिन अब ध्यान से देखना, जो हम पॉजिटिव लिगेंड की बात बता रहे हैं, पहले एक रिएक्शन लिखते हैं। देखो साइड में, अगर मान लीजिए हमारे पास ये हाइड्रोजन था, देखो इस कंपाउंड का नाम हाइड्रोजन होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इज कॉल्ड हाइड्रोजन। हमने क्या कर दिया, वन मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन डाला, नाइट्रोजन के पास मैंने बताया था लोन पेयर है, वन मोल ही डाला, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को दे दिए। तो अब हुआ क्या, देखो NH2 सिंगल बॉन्ड, दूसरा NH3 पॉजिटिव बन गया और दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि इस दूसरे नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को दे दिए। तो सिर्फ एक नाइट्रोजन ऐसा बच गया जिसके पास लोन पेयर है। तो मींस पॉजिटिव लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, लेकिन एक एटम ऐसा जरूर होता है जिसके ऊपर लोन पेयर अभी बाकी है। जैसे इसको कहेंगे हाइड्रोजीनियम आयन, बोलो अब इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजीनियम आयन। ये पॉजिटिव लिगेंड है क्योंकि इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एक एटम ऐसा जरूर है, जैसे ये रहा एक नाइट्रोजन एटम जिसके पास लोन पेयर है, अब ये अपने लोन पेयर देखो डोनेट करेगा मेटल एटम को, तो इसलिए लिगेंड का काम भी करेगा। तो लिगेंड्स आपकी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है लिगेंड की, उसके बेसिस के ऊपर जो लिगेंड है आपके नेगेटिव लिगेंड भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से किस कंपाउंड की नेमिंग की जाती है। अभी तक जो आपने नेमिंग सीखी है
जो रूल है बेसिक आईपैक नेमिंग के, वो तो बाद में बताएंगे कि फर्स्ट स्टेप ये होती है, सेकंड ये, थर्ड ये, लेकिन ताकि वो आईपैक नेमिंग इजी लगे आपको, इसलिए इस कुछ बेसिक बातें इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ही आपको बताई जा रही है साथ के साथ, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। तो अभी तक आपने सीखा है सिर्फ नॉन आयनाइजिंग पार्ट के अंदर कि नॉन आयनाइजिंग पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट के अंदर जो स्पीसीज होती है उनको कैसे हम पुकारते हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं। अब हम चलते हैं आयनाइजिंग पार्ट के अंदर। तो आयनाइजिंग पार्ट के अंदर जो भी स्पीसी दिखती है उसकी कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे कि जो ये आयनाइजिंग पार्ट, हम पहले एग्जांपल के अंदर देखिए आयनाइजिंग पार्ट है, जो भी हो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी कोई भी स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती। नो स्पेसिफिक एंडिंग, देयर इज नो स्पेसिफिक एंडिंग फॉर द आयनाइजिंग पार्ट। जैसे K4 दिख रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे, K4 को आप लिखेंगे सिंपली पोटाशियम, पोटाशियम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में SO4 दिख रहा है तो आप उससे कहेंगे सल्फेट, सिंपल सल्फेट। कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं। वैसे तो SO4 के ऊपर देखो टू नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, नहीं तो आप कहते सर इसको बोल दो ना सल्फेटो। अभी आपने बताया था कि नेगेटिव लिगेंड्स का नाम O से एंड करते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी तक मैंने रूल पीछे आपको बताए किसका नाम कैसे लिखा जाता है, वो हमने सीखा सिर्फ नॉन आयनाइजिंग पार्ट के बारे में आपको सिखाया था। हमने आपको यह सिखाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक आयनाइजिंग दूसरा नॉन आयनाइजिंग। फिर हमने सीखा कि आयनाइजिंग पार्ट के अंदर क्या क्या होता है। आयनाइजिंग पार्ट के अंदर जो सबसे पहले लिखे दिखे वो सेंट्रल मेटल एटम होता है। फिर हमने सीखा सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखे, कि वो सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट है या नेगेटिव में। नेगेटिव में है तो एट से एंड कर दिया आपने, और अगर पॉजिटिव में है, न्यूट्रल में है, तो उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता, जो उसका नाम है वही लिखना है आपको। उसके बाद मेटल एटम के बाद जो स्पीसी दिखे वो आपकी लिगेंड्स होती हैं। उन लिगेंड की स्पेसिफिक एंडिंग होगी या नहीं उसके लिए हमारी पहली क्लासिफिकेशन जरूरी थी, जिसके बेसिस पे हमने देखा कि चार्ज के बेसिस के ऊपर वेदर विच टाइप ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड, द क्लासिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लिगेंड इज द नेगेटिव, न्यूट्रल और द पॉजिटिव लिगेंड। फिर हमने सीखा न्यूट्रल लिगेंड की कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं, नेगेटिव लिगेंड्स का नाम ओ से एंड होगा या ईडो से, और पॉजिटिव लिगेंड्स का ईएम से होगा, जैसे हाइड्रोजीनियम मैंने बोला था एक एग्जांपल में। फिर उसके बाद हम चले अब आयनाइजिंग पार्ट के ऊपर, मींस जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है पार्ट, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है पार्ट जिसे आयनाइजिंग पार्ट कहते हैं, उसका जो नाम है वही लिखना है। के है तो पोटेशियम लिख दो, SO4 है तो सल्फेट लिख दो, मींस उनके लिए कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती। तो ये था हमने इसके नेमिंग के बारे में बताया। उसके बाद अगली चीज जो हम आपको बता रहे हैं वो यहां पे ये है कि अगर जो लिगेंड है, लिगेंड चाहे वो न्यूट्रल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी है, वो जो लिगेंड है अगर वो एक से ज्यादा है तो अब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो लिगेंड है, इसी बेसिस के ऊपर अब हम चलते हैं अपनी अगली क्लासिफिकेशन की तरफ। अगली जो हम क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन को मैं पहले यहां से रब कर देता हूं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन को देखो रब कर दे, जो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में था, इसको हम यहां से देखो रब कर रहे हैं। उसके बाद हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देखेंगे ताकि जो नॉन आयनाइजिंग पार्ट या आयनाइजिंग पार्ट के अंदर जो लिगेंड्स हैं अगर वो एक से ज्यादा हैं तो फिर हम उनका नाम कैसे लिखें, उसके साथ हम क्या कोई नया वर्ड यूज करेंगे, ऐड करेंगे तो कौन सा करेंगे। तो इसीलिए अब हम देखते हैं अपनी अगली क्लासिफिकेशन, और जो अगली क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस के ऊपर कि वेदर द लिगेंड इज सिंपल और द कॉम्प्लेक्स वन। सिंपल और कॉम्प्लेक्स वन का मतलब ये है कि जो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसके नाम के अंदर डाइट्राई शब्द नहीं आता, कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनके नाम के अंदर डाइट्राई शब्द आ जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे सिंपल लिगेंड होंगे, अगली क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, देयर आर सम आर द सिंपल लिगेंड, अदर आर द कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स। आमतौर पे जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके खुद के नाम के अंदर आपको डाई ट्राई शब्द दिखता है, हुज नेम इटसेल्फ कंटेन, हुज नेम इटसेल्फ कंटेन डाई ट्राई शब्द आपको दिख जाए, डाई दिख जाए, ट्राई दिख जाए, टेट्रा दिख जाए, इस टाइप से, तो वो कॉम्प्लेक्स लिगेंड की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। जिनके अंदर ऐसा ना दिखे वो आपके सिंपल लिगेंड होते हैं। तो जितने भी सिंपल लिगेंड होते हैं जिनके नाम के अंदर डाई ट्राई आपको नहीं दिखता, तो जब भी आप उसका नाम लिखेंगे अगर वो एक से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए सीएल टू है तो आप उसके लिए डाई वर्ड यूज करेंगे,
सीएल थ्री है तो आप उसके लिए ट्राई वर्ड यूज करेंगे, अगर सीएल सिक्स है तो आप उसके लिए हेक्सा वर्ड यूज करेंगे हेक्सा। अब सीएल जैसे नेगेटिव लिगेंड है तो आप लिख देंगे डाइक्लोरो, क्योंकि ये रूल तो हम आपको पहले बता चुके हैं। थ्री है तो ट्राइक्लोरो, अभी सिखाया था ना फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर कि सीएल एफ नेगेटिव सीएल नेगेटिव दीज आर दी नेगेटिव लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड का नाम ओ से एंड करना है या ईडो से, तो हेक्सा क्लोरो ऐसे। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड होता फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा लिख दे ईएन का ट्वाइस तो क्या करें, अभी मैंने बताया था ईएन के बारे में भी, इसकी स्ट्रक्चर भी देखो मैंने ऐसे लिखी थी आपके सामने, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके आगे हमने क्या लगा दिया था देखो यहाँ पे NH2 और NH2, मींस इसका नाम था इथाइलिन डायमीन। तो देखो अगर मैं इसका नाम लिख देता हूं यहाँ पे, देखो मैंने आपके सामने नाम लिख दिया इथाइलिन और डायमीन, इसके खुद के नाम के अंदर देखो डाई आ गया यहाँ पे, देखो ये डाई आ गया। अगर मैं ये कहूं ये दो है और इसके आगे मैं डाई लगा दूं तो अब तो कॉम्प्लिकेशन हो गई, अब पता ही नहीं चल पाएगा इसका कौन सा नाम ठीक है। हम इसको ऐसे कहेंगे डाइथाइलिन और डायमीन, ये तो दिक्कत हो गई ना यहाँ पे। इसलिए करते क्या है, जो भी आपके इस टाइप के लिगेंड होते हैं जिसके खुद के नाम में डाई ट्राई आए तो उनके साथ आप कभी भी डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो उनके लिए फिर अब हम क्या करें, उनके लिए आप वर्ड यूज करते हैं अगर दो है ऐसे लिगेंड तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिस, देखो बी आई एस बिस हमने लिख दिया और उसका नाम भी आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा दी, बिस लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे तो अब इसका नाम हो गया बिस इथाइलिन डायमीन। अगर तीन होता थ्री होते ईएन का थ्री तो आप लिखते ट्रिस टी आर आई एस ट्रिस लिखते, चार होता तो आप लिखेंगे टेट्राकिस एंड सो ऑन, देखो इस टाइप से अगर ये सेम चीज है तो देखो यहाँ पे। तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है नेमिंग के दौरान। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये जो डाई वर्ड है डाई ट्राई टेट्रा सिंपल लिगेंड होंगे, तो अगर सिंपल लिगेंड आर मोर देन वन, इफ सिंपल लिगेंड बोलो कितने हो एक से ज्यादा, इफ सिंपल लिगेंड्स आर ग्रेटर देन वन, अगर वो एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा है तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एंड सो ऑन। अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड एक से ज्यादा है तो क्या वर्ड यूज करेंगे बिस ट्रिस एंड सो ऑन। लेकिन मैंने ये बातें कब बताई, उन लिगेंडों के बारे में बताई है चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, ये लिगेंड वो लिगेंड है विच आर प्रेजेंट इन द नॉन आयनाइजिंग पार्ट। हम बातें नॉन आयनाइजिंग पार्ट की करें, आयनाइजिंग की नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन आयनाइजिंग पार्ट। If we have the ligands which are present in the non-ionizing part of the coordination compound, and if these ligands are simple ligand and they are more than one in number, then use the di, tri, tetra. If the ligands are complex one and they are present in the non-ionizing part, then use the word bis, tris, tetrakis if these are more than one in number. अब इसके बाद अब हम चलते, अब हमारा देखो जो नॉन आयनाइजिंग पार्ट है ना उसके बारे में जो भी हमें लिखना है आईपैक नेमिंग में वो कंप्लीट लगभग बातें आपको बता दी गई है कि नॉन आयनाइजिंग पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना पड़ा कि नॉन आयनाइजिंग पार्ट के अंदर दो ही चीजें दिखी, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा कौन लिगेंड्स। मेटल एटम जो नॉन आयनाइजिंग पार्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कि वो पहले भी दिख सकता है जैसे पहले एग्जाम्पल में K4FeCN6 में वो बाद में दिख रहा है तो नेगेटिव है, और दूसरे एग्जाम्पल में CuNH3 का 4SO4 वो आपको पहले दिख रहा है तो पॉजिटिव पार्ट है। तो मेटल एटम बाद में है नेगेटिव पार्ट में है तो ATE लगा दें, और मेटल एटम पॉजिटिव पार्ट में तो उसका नाम म्यूकायू लिख दें। फिर हमने बताया कि बाद में जितनी स्पीसी होती लिगेंड्स होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कैसे भी हो सकती है, जो हमने पहले आपको बता दिया कि अगर नेगेटिव लिगेंड है तो ओ से या ईडो से एंड कर दें। उसके बाद इसी नॉन आयनाइजिंग पार्ट में जो लिगेंड है अगर वो एक से ज्यादा है तो क्या करें, एक से ज्यादा है तो फिर वही देखो कि वो लिगेंड सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, अगर सिंपल है तो डाई ट्राई टेट्रा लगा देना, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो बिस ट्रिस टेट्रा किस लगा देना। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी आपको दी गई है किसके बारे में, अबाउट द नॉन आयनाइजिंग पार्ट। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं आयनाइजिंग पार्ट के बारे में। जैसे अभी हमने देखो पहले एग्जाम्पल में देखो मैंने लिख रखा है K4FeCN6 वाले में फर्स्ट पार्ट आयनाइजिंग है पॉजिटिव पार्ट है और इसमें कोई भी स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती। स्पेसिफिक एंडिंग मतलब जो है उसका वही नाम लिख दो, वही नाम लिख दो। K4 है तो पोटेशियम ही लिख दो, यहाँ पे K4 है देखो है ना पोटेशियम चार, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे इसमें टेट्रा पोटेशियम नो। यानी जो आपका आयनाइजिंग पार्ट होता अगला रूल क्या बन गया यहाँ पे, इन द आयनाइजिंग पार्ट
वी विल नेवर यूज बोलो क्या डाई ट्राई नेवर यूज, देखो मैं नेवर लिख देता हूं यहाँ पे, नेवर यूज बोलो क्या डाई ट्राई टेट्रा या बिस ट्रिस, हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज आप अपने दिमाग में आप बिठा लें कि आयनाइजिंग पार्ट के अंदर, पहली बात आयनाइजिंग पार्ट ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है, स्क्वेयर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो आयनाइजिंग पार्ट होता है उसका नाम यू का यू लिखना है, जो है उसका नाम यू का यू लिखना है। अगली बात, वो चाहे एक से ज्यादा हो फिर भी उसका नाम यू का यू लिखें, उनके साथ कभी भी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज आप नहीं करेंगे यूज। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो आपके आईपैक नेमिंग के दौरान यूज होने वाली है, जो उसके दौरान यूज होने वाली है। लेकिन अगर मैं अब आपसे ये पूछूं, देखो यहीं पे, देखो मैंने अभी तक आपको आईपैक नेमिंग देखो सिखाई नहीं है, आईपैक नेमिंग के रूल मैंने अभी आप तक को बताए नहीं है, मैंने सिर्फ किसका नाम कैसे लिखा जाता है सिर्फ वही बताया है। अगर हम सिर्फ इतनी बातों को भी याद कर लेंगे ना जितनी अभी आपको बताई गई है, तो भी आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख ही देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने आपको पहला, अगला पॉइंट जो हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड चल रहा है, जिसमें हमने पहला तरीका देखा क्लासिफिकेशन का, वो चार्ज के बेसिस पे था, पॉजिटिव नेगेटिव एंड द न्यूट्रल वन। दूसरी क्लासिफिकेशन उसके नेचर के बेसिस के ऊपर, कि जो लिगेंड है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अभी तक दो क्लासिफिकेशन बताई है, अभी हम आपको थर्ड क्लासिफिकेशन बताने वाले हैं। लेकिन थर्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर हम आगे चलें, उससे पहले हम क्या करेंगे, यही तीन जो कंपाउंड आपके सामने लिखे हैं इनका नाम आपसे पूछ के देख लेते हैं। देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, बड़े ध्यान से देखें। देखो वही फर्स्ट K4FeCN6, फिर हम प्रोसीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के ऊपर ही जो हमारी चली हुई थी। देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूं सिर्फ ये देखने के लिए कि अभी तक जितनी बातें आपने सुनी, क्योंकि ज्यादा डीप में बगैर जाए अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आप उसका नाम ठीक लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं? सिर्फ उतनी सी बात। अब देखो, अब बड़ी बेसिक चीज है, आपसे मैं ये पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ NaCl, नाम बताओ शबास, NaCl का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। हाँ सोडियम क्लोराइड। आपने पहले कौन से पार्ट का नाम लिखा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का? पॉजिटिव। पॉजिटिव का लिखते हैं। तो ऐसे ही K4FeCN6 जो आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट से बाहर पार्ट है, देखो उसी टाइप से। तो पहली बात तो देखो ये आयनाइजिंग हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट देखो जो बाद में दिख रहा है ये आपका नॉन आयनाइजिंग हो गया। उसी टाइप से अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आयनाइजिंग यहाँ पे पॉजिटिव है और नॉन आयनाइजिंग यहाँ पे नेगेटिव है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले है, तो मीन्स दैट इज द नॉन आयनाइजिंग पार्ट है, और बाद वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है SO4 वो आपका आयनाइजिंग पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आपका न्यूट्रल पार्ट होता है, और ये जो न्यूट्रल पार्ट है ये आपका नॉन आयनाइजिंग ही है, ये आपका नॉन आयनाइजिंग ही पार्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल में जो पहला पार्ट नॉन आयनाइजिंग का था, क्योंकि पहले है तो पॉजिटिव होगा और बाद वाला नेगेटिव होगा। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था कि NaCl का नाम बताएं, आपने एकदम बता दिया नाम सोडियम क्लोराइड, पॉजिटिव पार्ट का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। तो जो आईपैक नेमिंग होती है ना उसका बेसिक रूल जो है, पहला जो रूल है वो यही है कि ऑलवेज राइट द पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट फॉलोड बाय द नेगेटिव पार्ट, दैट इज द फर्स्ट रूल। जब भी आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको क्या लिखा मिलेगा, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ आईपैक नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑलवेज राइट फर्स्ट कौन सा पार्ट, पॉजिटिव पार्ट फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट, दैट इज द फर्स्ट रूल। ये फर्स्ट रूल होता है। उसके बाद अगला जो बेसिक पार्ट बनता है, अगला जो रूल बनता है वो ये कि द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। ये ध्यान रखना है, जैसे मैं अपना नाम लिखूं रविंदर सिंह तो R मैं कैपिटल लिखता हूं, ये हमें सिखाया गया है क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है। पढ़ते हैं ना नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है, तो इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल। लेकिन कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं इनका जब नाम लिखे फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल वन, बिल्कुल छोटा होगा। अब ये बताएं, पहले एग्जांपल में चलते हैं, बोलो K4 का नाम क्या लिखें, टेट्रा पोटेशियम लिख दें या पोटेशियम? हाँ पोटेशियम ही लिख दें क्योंकि कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होगी इसकी। तो देखो मैंने पी भी स्मॉल कर दिया और ये स्पेलिंग मैंने लिख दी पोटेशियम की, इसका नाम कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, नॉन आयनाइजिंग पार्ट के अंदर। अब अगला रूल क्या आता है,
ये आता है कि नॉन एनालाइजिंग पार्ट की नेमिंग कैसे करें। नॉन एनालाइजिंग पार्ट की जब भी नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे लिगेंड्स का और उसके बाद नाम लिखेंगे आप मेटल एटम का। ये अगला रूल बन जाता है। बोलो अगला रूल क्या बन गया, सबसे पहले किसका नाम लिखें, लिगेंड्स का, उसके बाद Ligands. किसका नाम लिखें, मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देंगे आप। तो देखो जो आपके लिगेंड्स हैं उनका नाम अभी आपको सिखाया गया था। बोलो नाम क्या है सीएन का, नेगेटिव लिगेंड है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड की एंडिंग किससे करेंगे, ओ से, तो साइनो हो गया। और अगला पॉइंट यह आता है बेसिक रूल का कि देयर शुड बी नो गैप इन द होल नेम। तो मैं जहां पे मैंने पोटेशियम लिखा, पोटेशियम के जस्ट बाद आप यहाँ पे साइनो लिख देंगे और सिक्स है तो बोलो क्या लिखें, डाई लिखें, ट्राई लिखें, बिस लिखें, ट्रिस लिखें, बोलो क्या लिखें। सीएन कैसा लिगेंड है, सिंपल लिगेंड या कॉम्प्लेक्स लिगेंड, क्या इसके नाम में कहीं पे भी डाई ट्राई आपको दिख रहा है, साइनो में नहीं दिख रहा ना डाई ट्राई, तो सिंपल लिगेंड है। सिंपल है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, तो सिक्स है तो हेक्सा लिखेंगे, तो आपने हेक्सा लिख दिया, आपने बताया था साइनो लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट Fe, अब मेटल एटम के ऊपर पहुंच गए। मेटल एटम पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट है या नेगेटिव पार्ट में प्रेजेंट है, नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट में हो मेटल एटम तो उसका नाम किससे एंड करेंगे, एट, तो इसका नाम हो जाएगा बोलो क्या, फेरेट। फेरेट तो FERRATE फेरेट। अब एक रूल और है बस लास्ट जो हम आपको बता रहे हैं, वो ये कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। वो तो आप कभी से निकालते आए, देखो कैसे निकालते हैं, मैं नीचे निकाल के दिखा रहा हूं। जैसे आयरन है, इसको एक्स मान लो, हमें क्या पता कितना चार्ज है इसके ऊपर, आयरन को एक्स मान लिया। सीएन के ऊपर सभी जानते हैं, आप जानते हो इसके ऊपर माइनस वन चार्ज होता है, तो एक्स माइनस सिक्स हो गया। पोटेशियम ग्रुप वन एलिमेंट है, पोटेशियम के ऊपर हमेशा प्लस वन चार्ज होता है, तो इसलिए प्लस फोर हो गया क्योंकि के फोर था। और ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होता है पूरा, तो इक्वल टू जीरो लिख दिया। ऐसे ही निकालते थे ना चार्ज किसी भी मेटल एटम का, तो इसलिए अब एक्स की वैल्यू बोलो कितनी होगी, दैट इज प्लस टू। ये तो प्लस टू लिखा, अगर मैं ये कहूं इसको रोमन लेटर्स में कैसे लिखा जाता है, जो छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में आपको सिखाते थे रोमन लेटर्स में कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं रोमन लेटर में, टू लाइन लगा दे, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। और इसको किस में लिखेंगे बोलो, रोमन लेटर में और स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अगला रूल आईपैक नेमिंग का यही आता है कि जो मेटल एटम का जब भी आप नाम लिखें, जैसे हमने फेरेट लिखा, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखें और वो रोमन लेटर्स में लिखें और स्मॉल ब्रैकेट में लिखें। देखो मैंने स्मॉल लेटर के अंदर भी लिख दिया और स्मॉल लेटर आपके सॉरी मैंने रोमन लेटर्स के अंदर भी लिख दिया और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी लिख दिया, तो अभी इसका कंप्लीट नाम हो गया। बोलो कंप्लीट नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का, पोटेशियम हेक्साफेरेट टू, फेरेट टू ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें पहले वही बेसिक काम जैसे NaCl का मैंने आपसे नाम पूछा, तो आपने कहा सोडियम क्लोराइड, मतलब पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखना है। अब पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे नॉन आयनाइजिंग पार्ट है, स्क्वेयर ब्रैकेट वाला पार्ट है, स्क्वेयर ब्रैकेट वाले पार्ट में आपके पहले मेटल एटम दिख रहा है, बाद में लिगेंड्स। तो हमने बताया नाम लिखते वक्त पहले आप लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, मेटल एटम का। अब जो लिगेंड यहाँ पे आ गए वो बोलो कितने हैं, NH3 है, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है या पॉजिटिव या नेगेटिव लिगेंड है, बताओ, न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड की कोई स्पेसिफिक नाम तो होता नहीं, तो NH3 को आप एमीन बोलेंगे, सिंपली एमीन। कितने हैं बोलो, ये सिंपल लिगेंड है कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, इसके नाम के अंदर कहीं पे डाई ट्राई दिख रहा है आपको, एमीन में तो कहीं डाई ट्राई नहीं है, तो चार है तो क्या लिखेंगे बोलो इसके लिए, टेट्रा, चार है तो टेट्रा, और एमीन है तो AMINE एमीन लिख दिया हमने, टेट्रा एमीन, ठीक हो गया। तो टेट्रा क्यों लिखा हमने, बिस ट्रिस टेट्रा किस क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सिंपल लिगेंड है, क्योंकि इसके खुद के नाम के अंदर डाई ट्राई तो नहीं है, क्योंकि इसका नाम आपको लिखा हुआ दिख गया, देखो एमीन, इसलिए हमने चार है तो टेट्रा लिख दिया, दो होते तो डाई लिखते, तीन होते तो ट्राई लिखते, ऐसा हो गया, लिगेंड का नाम लिख दिया। अब लिगेंड के बाद मेटल एटम का नाम, अब मेटल एटम कौन है यहाँ पे बताएं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Cu, कॉपर, कॉपर है, तो इसका नाम भी क्या होगा बोलो, क्यूपरेट। क्यूपरेट कब होता, नेगेटिव में होता, अभी पॉजिटिव में है, हाँ तो क्या लिखेंगे इसका नाम, हाँ इसका जो नाम है वो एज सच लिख देंगे, कॉपर है तो कॉपर ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला रूल क्या था, जो भी मेटल एटम होता है उस मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके साथ लिखा जाता है, तो कैसे निकाले ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर को एक्स मान लेंगे। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है या कैसा लिगेंड है बताएं, न्यूट्रल, तो इसलिए जीरो चार्ज हो गया। SO4 के ऊपर कैसा चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है बोलो,
माइनस टू होता है, जैसे मैंने बताया जो आपके ऑक्सीडेशन नंबर आपने कब सीखे थे, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर, प्लस वन के अंदर भी ये चीजें आती थी। और इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस टू। और रोमन लेटर्स में लिखेंगे तो देखो दो लाइन लगा के और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं आयनाइजिंग पार्ट के अंदर। आयनाइजिंग पार्ट में क्या कोई रूल चलता है, क्या उसका कोई स्पेसिफिक एंडिंग होती है? नहीं। तो SO4 को सिंपली क्या बोलेंगे, SO4। जैसे मान लीजिए मैं आपसे नाम पूछूं CuSO4, बताओ इसका क्या नाम होता है? कॉपर, कॉपर सल्फेट। हाँ, सल्फेट। तो SO4 को तो सल्फेट बोलते हैं, तो ऐसे ही वहां पे भी हम इसको सिंपल सल्फेट बोलेंगे। इसकी कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होगी। जैसे कि वैसे मैं आपसे पूछता तो क्या पता आप लोग यहाँ पे पजल हो जाते, सोचते SO4 को कैसे बोले। इसलिए मैंने सिंपल कंपाउंड का नाम आपसे पूछा जो आपने ज्यादा सुन रखा होता है, जैसे कॉपर सल्फेट। आपने एकदम बोल दिया सल्फेट, वहां से आपके दिमाग में आ गया सल्फेट लिखे, तो हमने सल्फेट लिख दिया। तो इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम ये बन गया यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद अगले तीसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। उसमें आपने देखा इसमें पार्टी एक है जो कि नॉन आयनाइजिंग पार्ट है, इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो देखो जीरो चार्ज होता है ऊपर। अब इसके अंदर भी दो पार्ट है, जो पहले लिखा दिखे आपका मेटल एटम, जो बाद में लिखा दिखे वो आपके लिगेंड होते हैं। तो अब क्या करें, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद मेटल एटम का लिखेंगे। जो लिगेंड है वो CO है, सी भी बड़ा ओ भी बड़ा, जिसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और ये चार है, कार्बोनिल इसका नाम है, तो बोलो कैसे नाम लिखेंगे इसका? चार है तो क्या लिखेंगे बोलो? टेट्रा। और CO को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड की कोई स्पेसिफिक एंडिंग होती नहीं। जैसे वाटर H2O को एक्वा कहते हैं, NO होता नाइट्रोसिल कहते, इथाइलिन डायमीन होता है, NH3 होता तो जैसे एमीन बोलते। CO को कार्बोनिल बोलते हैं, चार हो तो टेट्रा कार्बोनिल। NI बोलो कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? न्यूट्रल पार्ट में। तो क्या इसके आगे एट लगाएं, निकलेट या सिंपल निकिल लिख दें यहाँ पे? निकल। हाँ, सिंपल निकिल लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो निकिल है इसको X मान के हम इसकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो X प्लस में कार्बोनिल तो न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। X की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। तो अब ये नहीं कि जीरो आ गई तो कुछ नहीं करेंगे, जीरो आ गई तो हम क्या करेंगे, रोमन लेटर्स के अंदर जीरो तो देखो जीरो ही होता है, लेकिन अब क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जीरो लिख देंगे ऐसे, तो इसका नाम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बोलो? इसका नाम बन गया नाम। इस कंपाउंड का। अब देखो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं इन नाम के अंदर, ये सारी चीजें आपने उतार ली होंगी अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो एक स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, देखो मैं क्या करने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना। सेम कंपाउंड रखूंगा मैं विद स्मॉल चेंज। देखो मैंने ये हटाया, आप स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना मैं किसको हटा रहा हूं। मैंने K4 हटा दिया, देखो K4 मतलब आयनाइजिंग पार्ट यहां से हटा दिया। और मैंने क्या किया, इसके ऊपर लगा दिया मैंने 4 नेगेटिव चार्ज। 4 नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि जब मैंने K4 हटाया है, K के ऊपर प्लस 1 चार्ज होता है, 4 पोटेशियम तो 4 प्लस था ना, तो इस पहले वाले पार्ट पे अगर 4 प्लस चार्ज है तो बचे हुए पार्ट पे कितना चार्ज होगा? 4 माइनस। सो दैट इज द रीजन कि आप ये सोचो कि सर ने कैसे घोट लिया। ऐसा कुछ नहीं किया, समझकर ही ये काम ऐसे किया जाता है जैसे आपको मैंने करके दिखाया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, देखो दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। देखो फिर से मैं हटा रहा हूँ, बाहर SO4 था, मैंने SO4 हटा दिया। SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, 2 माइनस चार्ज, 2 माइनस तो बचा हुआ जो पार्ट है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? 2 प्लस, प्लस 2, और लास्ट वाला तो न्यूट्रल ही है। अब देखो इतना पार्ट बच गया, मैंने कहा इसका लिखो नाम, पेपर में आ गया कि भाई इसका नाम लिखे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट गायब हो गया तो इसमें से हमने पोटेशियम हटा दिया। देखो जो मैंने ब्लू कलर से लिखा था, मैं इसको हटा रहा हूं, ये मैंने हटा दिया पोटेशियम। दूसरे एग्जांपल में 12 एस सल्फेट था, देखो मैंने सल्फेट लिख रखा था, वो मैंने हटा दिया, और बचा हुआ नाम तो मैंने नहीं छेड़ा ना, तो मैंने नहीं छेड़ा। अब क्या करें, ये जो गिवन चीज है ये एक स्पीसी है, ये आयन है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है देखो आपको, और दूसरे वाले एग्जांपल में बोलो कैसा चार्ज दिख रहा है आपको? पॉजिटिव और पॉजिटिव मींस दीज आर द आयनिक स्पीसी। आयनिक स्पीसी दिख जाए आपको ऐसे, नाम का तरीका वही कि ब्रैकेट वाला पार्ट है, पहले वही हमने हेक्सासाइनो लिखा, फेरेट लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। फिर आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर 2 कैसे रह गया? देखो नीचे निकाल के दिखाते हैं आपको, देखो ध्यान से देखना नीचे दोबारा से, देखो मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं, आंसर यही आना होता है। तरीका क्या था जो आपको कभी सिखाया गया था, आयरन को देखो एक्स माना, साइनाइड के ऊपर -1 होता है तो -6 इज इक्वल टू -4 लिखना पड़ेगा, अब इक्वल टू -4 लिखना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे के ऊपर -4 चार्ज है। तो एक्स की वैल्यू बोलो फिर से कितनी आ गई, वही +2।
तो यहां तक का नाम तो आ गया ना समझ में। अब लेकिन क्योंकि ये आयन है तो सिर्फ क्या करें, इसके नाम के आखिर में आयन लिख देना, बस देखो ऐसे आई ओ एन आयन, बस बन गया नाम। ऐसे दूसरा जो एग्जाम्पल था टेट्राएमीन कॉपर टू, लास्ट में आयन लिख दो, बस आयन लिख दे, बस क्लियर हो गया। आगे बात समझ में, अगर कंप्लीट नाम है तो पूरा नाम लिख दें, आयन दिखे वही रूल चलेंगे आईपैक नेमिंग के, लास्ट में सिर्फ आयन लिख देंगे आप, सिर्फ आयन और कोई चेंज नहीं करना आपको। और न्यूट्रल लिगेंड तो देखो ये न्यूट्रल स्पीसी लास्ट वाली देखो NiCO4 था, ये तो न्यूट्रल ही था, इसमें तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं, ये तो यू का यू रहा क्योंकि इसमें कोई आयनाइजिंग पार्ट था ही नहीं जो हमें हटाना पड़ा। तो मीन्स आपके कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के तौर पे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अगर आपने ये जो एग्जाम्पल मैंने तीन पहले दिए थे और जो तीन दिए उनमें से जो पहले दो एग्जाम्पल थे उनके अंदर से मैंने आयनाइजिंग पार्ट हटा दिया, और हटाने के बाद जो स्पीसी आयनिक स्पीसी बन गई उसका नाम कैसे लिखें, नाम ऐसा रहा, आयनाइजिंग पार्ट का नाम पहले हटाया और उसके बाद नाम के आखिर में आयन लगा दिया तो उसका नाम बन गया। तो इस टाइप से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामों को याद कर लेते हैं। अब एक चीज और बता दें हम आपको, अब देखो मैं रिवर्स काम करने जा रहा हूं आपके सामने, रिवर्स कैसे, अब बड़े ध्यान से देखते जाना, जो नाम लिखा है मैंने आपके सामने, मैं सिर्फ नाम को लिखा रहने देता हूं और मैंने स्ट्रक्चर को हटा दिया, देखो ये मैंने स्ट्रक्चर हटा दी ऊपर लिखी हुई, ऐसे दूसरे एग्जाम्पल की भी देखो मैंने स्ट्रक्चर हटा दिए यहाँ पे, तीसरे एग्जाम्पल जो है उसकी भी मैंने स्ट्रक्चर हटा दी, देखो हटा रहा हूं मैं, देखो स्ट्रक्चर मैंने हटा दी। तो अगला तरीका क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का कि क्या करेंगे, देखो मैं बीच में लाइन लगा देता हूं, अलग अलग कंपाउंड है ये, कहेंगे इसका फॉर्मूला लिखें, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसका फॉर्मूला लिखें। पहले तो क्या था, फॉर्मूला दे रखा था, नाम लिखवा लिया, अब नाम दे दिया, कहेंगे अब क्या करें इसकी स्ट्रक्चर बनाए, तो हम क्या करें, सबसे पहले मैं आयन शब्द को हटा देता हूं यहां से और मैं वही चीज लिख देता हूं जो हमारे पहले एग्जाम्पल थे। बोलो पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था इसके आगे, पोटेशियम, पोटेशियम, और दूसरे वाले में क्या था बोलो यहाँ पे, सल्फेट, सल्फेट। अब ये कहा गया कि इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें, देखो जो जो दिखता है ना हमें हम वो लिख देते हैं पहले, पहली पहचान, किसी भी कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट तो होंगे ही, कैसे होंगे दो पार्ट, क्योंकि आपको ये दिख रहा है, कैसे पहचान करें आप ये देखो सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ लिखा दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आपने ढूंढा ढूंढा नजर दौड़ाई, आपने देखा कि वो ये तो ये दिख रहा है, देखो इसमें टू दिख रहा है, देखो ये टू दिख रहा है, मैंने नीचे अंडरलाइन कर दिया। इससे पहले वाली जो भी चीज होती है वो मेटल एटम होता है, देखो ये रहा मेटल एटम, तो आप जल्दी से एक स्क्वायर ब्रैकेट लें और ब्रैकेट के अंदर देखो ये मेटल एटम दिख रहा है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट लें और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल एटम है उसका नाम सबसे पहले लिख दें, इसमें फेरेट है तो Fe लिख दें, Fe, दूसरे में कॉपर है तो Cu लिख दें। उसके बाद क्या करें, इस मेटल एटम से पहले जो भी आपको दिख रहे हैं दीज आर दी लिगेंड्स, वो लिगेंड बोलो कितने हैं, दीज आर सिक्स हेक्सासाइनो, तो आपने CN6 लिख दिया, CN6 हो गया क्लियर। अब उससे भी पहले जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब जो दिख रहा है ये आपका आयनाइजिंग पार्ट है, बोलो कैसा पार्ट है ये, आयोनाइजिंग पार्ट, आयोनाइजिंग पार्ट के पोटेशियम लिख दो। लेकिन हमने रूल सीखा था ना कि हम पोटेशियम के आगे कभी डाई ट्राई तो लगाते नहीं, अब हमें क्या पता ये पोटेशियम कितने हैं, तो इसलिए इसको हम x मान के चलेंगे, बोलो क्या मान के चलेंगे, x, देखो ऐसे x, ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में चलें, कॉपर से पहले बोलो क्या है यहाँ पे, टेट्राएमीन थे तो NH3 4 लिख दिया, NH3 4, और जो आपके कोऑर्डिनेशन जो नंबर जो ऑक्सीडेशन जो नंबर था उसके आगे सल्फेट दिख रहा है तो SO4 लिख दिया, हमें नहीं पता SO4 कितने, इसको भी x मान लें। कहने का मतलब जब स्ट्रक्चर ड्रा करनी पड़े आपको, ऐसे फार्मूला ड्रा करना पड़े, तो आप क्या करेंगे, आप जो आयनाइजिंग पार्ट है उसको x मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे उसको, x, x। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में चलें तो वहां पे आप क्या देखेंगे, एक ही पार्ट है, ये मेटल एटम है तो ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अंदर हमने Ni लिख दिया और ये CO4 लिख दिया, अब बाहर कोई है ही नहीं, कोई नहीं तो ये इसका फॉर्मूला अपने आप ही बन गया। अब पहले वाले पे चलते हैं, अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं अभी हम, तो देखो अब क्या करें, पोटेशियम के ऊपर आप जानते हैं +1 चार्ज होता है, आयरन का चार्ज पहले से दे रखा है +2 है, देखो ये रहा गिवन, ये गिवन है, साइनाइड के ऊपर -1 होता है, अब क्या करें, पोटेशियम पे +1 एक्स माने हैं हमने, तो बोलो क्या हो जाएगा, +x, आयरन के ऊपर +2, आयरन के ऊपर +2 -6 = -0, तो x की वैल्यू बोलो क्या आ गई,
दैट इज 4. तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 है. नाउ द करेक्ट फॉर्मूला विल बी, बोलो क्या बन गया, x की जगह 4 कर दो, k4 Fe Cn6. तो दैट इज द, इसका हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया. तो मीन्स रिवर्स क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. या तो नाम देंगे तो ये जो फार्मूला देंगे तो नाम लिख दो, नाम दें तो ऐसे कर दो. इसमें एक ही चीज बस ध्यान रखनी है कि आयनाइजिंग पार्ट को एक्स मान के चले. जैसे दूसरे एग्जाम्पल में भी एक्स माना तो हम क्या करेंगे, कॉपर के ऊपर देखो प्लस टू चार्ज ऑलरेडी गिवन, ये न्यूट्रल लिगेंड है. सल्फेट के ऊपर माइनस टू चार्ज होता है तो प्लस टू, प्लस में जीरो, माइनस में टू एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो बोलो कितना आ जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, वन. तो वन आ गया. तो एसओ फोर के बाहर जो हमने एक्स लिखा था तो एक्स की वैल्यू कितनी है, वन. तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बनेगा सी यू एन एस थ्री फोर ब्रैकेट और बाहर एसओ फोर, क्योंकि एसओ फोर सिर्फ वन है क्योंकि एक्स की वैल्यू वन आ गई. सो दैट इज द, इसका फॉर्मूला आपका डिराइव हमने कर लिया. तो इस टाइप से हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं. तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे इसके आईपैक नेमिंग के दौरान. इसके बाद हम सिर्फ एक चीज और देखेंगे यहाँ पे जो हमारा, ताकि हमारा वो टॉपिक क्लियर हो जाए, वो है हमारा किस चीज के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स. हमारा जो टॉपिक चला हुआ था इसके साथ साथ ये नेमिंग सिर्फ इतनी ही थी. आपको जो आईपैक नेमिंग होती है मैंने अलग से पॉइंट लिखे नहीं, लेकिन आपको बता सारे पॉइंट दिए. किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रा करनी आए तो यही तरीके होते हैं, और कोई तरीके हो नहीं सकते. इसके बाद देखो हमारी क्लासिफिकेशन पहले वाली चली हुई थी, तो वो तो हमने किसके बेसिस के ऊपर देखी थी, ऑन द बेस ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव और द न्यूट्रल लिगेंड. सेकंड हमने देखा उसके नेचर के ऊपर कि वो आपका सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लिगेंड आपके होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. कोई भी लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये अगली डेफिनेशन बन जाती है आपकी, वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है. बोलो क्या कहलाती है, उसकी डेंटिसिटी. डेंटिसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ए लिगेंड, फॉर्म्ड बाय अ लिगेंड विद द मेटल एटम, विद द सेंट्रल मेटल एटम, विद द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड देयर डेंटिसिटी, उसकी डेंटिसिटी कहलाती है. जैसे तो इस डेंटिसिटी के बेसिस के ऊपर तो नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, कि कोई लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. अगर वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो आप उसे कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड. अगर वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो आप उसे कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड. अगर तीन बनाए ट्राइडेंटेट, और मैनी बना दे तो पॉलीडेंटेट लिगेंड. तो ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी, कि एक लिगेंड मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. जैसे मोनोडेंटेट तो कौन हो गए, देखो जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है ना, Cn नेगेटिव, दिस ऑल आर द मोनोडेंटेट लिगेंड. ये सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये नहीं बनाते. दूसरे आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये ऑक्सिलेटो आयन होता है, ऑक्सिलेटो, क्योंकि बताया था ना नेगेटिव लिगेंड है तो O से करेंगे एंडिंग. ऑक्सिलेटो ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. मान लीजिए कोई मेटल एटम यहाँ पे होता तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनता, एक यहाँ से बनता, तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. सो इट इज द बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है ये आपका. कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो आपके छह छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे इथाइलिन डायमिन टेट्राएसीटेट आयन, EDTA, जो आपने हार्डनिंग सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा. ये छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, तो ये आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है. ये छह बॉन्ड बनाता है, सो इट इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है. तो ये आपकी क्लासिफिकेशन थी कि कौन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. उसके बाद इसके साथ साथ एक डेफिनेशन और बता देते हैं आपको वहां यहीं पर ही, उसे कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स. एम्बिडेंट लिगेंड्स,
एम्बिडेंट लिगेंड्स। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं विच हैज टू डोनर साइट, विच हैज टू डोनर साइट, जिसके अंदर दो दो डोनर साइट होती हैं, बट दे फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली थ्रू वन साइट, ओनली थ्रू वन साइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर साइनाइड होता है, जैसे सी के थ्रू बॉन्ड बना ले, साइनाइड कहेंगे, साइनो कहेंगे, एन के थ्रू बॉन्ड बना दे तो आइसोसाइनाइड होते हैं, एन के थ्रू बॉन्ड बना दे तो नाइट्रो कहलाता है, ओ के थ्रू बॉन्ड बना दे ओ एन ओ तो नाइट्रीटो ग्रुप कहलाता है, सी के थ्रू बॉन्ड बना दे सी एन ओ साइनेट ग्रुप कहलाता है, एन के थ्रू बॉन्ड बना दे एन सी ओ तो आइसोसाइनेट ग्रुप कहलाता है, नेम लिखेंगे तो आइसोसाइनेटो और ऊपर वाला साइनेटो कहेंगे। क्लियर हो गया, बोलने में बोल रहे थे साइनेट या आइसोसाइनेट, और जब नाम लिखेंगे तो साइनेटो आइसोसाइनेटो। सिमिलरली सी एन एस भी होता है, इसे कहते हैं सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज करते हैं, सो कॉल्ड एज द थायोसाइनेटो। अगर हम NCS लिख दें, NCS, देखो मैंने बताया CNS हो गया या NCS हो गया, इसे कहते हैं बोलो क्या, थायो वर्ड लगा दें बस इसके आगे, थायो आइसोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो भी कह देते इसको, आइसो थायो साइनेटो। तो ये हमने आपको बताया एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में, एक डेफिनेशन बोलो कौन सी बन गई यहां पे, एम्बिडेंट लिगेंड्स की। लेकिन इसके साथ साथ एक डेफिनेशन और हम आपको बताना चाहेंगे यहां पे, दैट इज अबाउट द चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जो आपके मोनोडेंटेट को छोड़ के सारे लिगेंड हो सकते हैं, ऑल लिगेंड एक्सेप्ट मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर दी चिलेटिंग लिगेंड्स, या दूसरे शब्दों में आप कहें तो ये कहेंगे द लिगेंड्स विच कैन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, विच कैन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल मेटल एटम, विच कैन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड एज द चिलेटिंग लिगेंड्स, आप उन्हें चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। जैसे हमने आप ऊपर देखे, देखो मैंने बाइडेंटेट में लिखा था ना ऑक्सेलेटो, देखो ये रिंग स्ट्रक्चर बन गई, आप ध्यान से देखें साइक्लिक, देखो ये रिंग स्ट्रक्चर बन गई, देखो बिल्कुल रिंग बन गया यहाँ पे, तो आप ये हमेशा ही रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और चिलेटिंग लिगेंड कभी भी मोनोडेंटेट लिगेंड हो नहीं सकते, क्योंकि मोनोडेंटेट एक ही बॉन्ड बनाएंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते, रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब जैसे बच्चे खेलते हैं ना, एक आपने इंग्लिश में पोइम सुनी होगी रिंग ए रिंग ऑफ रोजेस, उसमें दो बच्चे आमने सामने खड़े हैं, एक बच्चे के दो हाथ, दूसरे बच्चे के दो हाथ, उन्होंने दोनों हाथ एक दूसरे से पकड़ लिए तो एक रिंग स्ट्रक्चर बन गई ना, देखो रिंग बन गई उसके अंदर। या मैनी स्टूडेंट आपस में एक सर्कल के अंदर खड़े हैं तो रिंग ए रिंग ऑफ रोजेस, क्योंकि एक बच्चे के दो हाथ, उन्होंने एक से ज्यादा बोर्ड बनाया तभी वो रिंग बन पाया। दो बच्चे भी ऐसा काम कर सकते हैं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मींस चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं विच हैज विच कैन फॉर्म मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दस दे फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल मेटल एटम, सच लिगेंड कॉल्ड एज अ चिलेटिंग लिगेंड। और जो स्ट्रक्चर बनती है, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां पे बनी, इस बनी हुई साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं चिलेट, इसे आप चिलेट कहते हैं, और ये इफेक्ट कहलाता है चिलेटिंग इफेक्ट। वैसे चिलेटिंग इफेक्ट अगर एग्जाम में आ जाए तो इसके आप अलग से डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखते हैं, देखो मैं बोल के बताता हूं कि द इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, कि इट स्टेट्स दैट कि द साइक्लिक स्ट्रक्चर, देखो हम यहां पे मान लीजिए लिख भी दें थोड़ा कि द साइक्लिक स्ट्रक्चर, चिलेटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, देखो ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पे कि द साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय
द साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स, द साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड इज ऑलवेज मोर स्टेबल, इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय नॉन चिलेटिंग लिगेंड। और इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर ड्रा की थी आपके K4FeCN6 के केस में, बिल्कुल आज के लेक्चर के स्टार्ट में, तो वो किसकी बन गई, वो आपके नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स की बन गई। और कोई भी आप एग्जांपल ले लें, बाइडेंटेट लिगेंड का इथाइलिन डायमिन के साथ बना दें, ऑक्सलेट आयन के साथ बना दें, तो सारे के सारे आपके चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है, वो चिलेटिंग इफेक्ट का डायग्राम बन जाता है। तो ये चिलेटिंग इफेक्ट की क्या थी, डेफिनेशन थी। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन अभी तक क्या देखी, लिगेंड्स की ऑन द बेस ऑफ चार्ज, ऑन द बेस ऑफ नेचर, ऑन द बेस ऑफ डेंटिसिटी। इसके बाद एक लास्ट क्लासिफिकेशन और भी है चिलेटिंग लिगेंड की, अगर हम देखें तो वो क्लासिफिकेशन कौन सी आपकी बन जाएगी, बताओ वो क्लासिफिकेशन क्या बनेगी, कि जो लिगेंड है वो आपके वीक लिगेंड भी हो सकते हैं, और वो लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी हो सकते हैं। The ligand may be the strong ligand, the ligand may be the weak ligand. अब strong और weak ligand को जो हम classify करते हैं, तो इसको classify करने के लिए हमें एक example लेना पड़ता है। जैसे for example, मैं एक example आपके सामने लिया, देखो K4FeCN6Cl6 लिखता हूं मैं यहां पे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के नीचे मैंने लिख दिया K4FeCN6। अब बड़े ध्यान से देखना ताकि इसकी डेफिनेशन आप समझ पाए, अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपने क्या किया कि आयरन को आपने एक्स माना दोनों केस में, ये -6, ये इधर +4, जैसे अभी आपको सिखाया था = 0, ऐसे इधर ये +4, इधर -6 = 0, तो x की वैल्यू यहां पे +2 आ गई। देखो दोनों ही केसेस में आयरन एटॉमिक नंबर देखो 26, कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको डी ब्लॉक में सिखाई जा चुकी होती है, तो 26 के आखिर में 6 है तो 3d6 लिख दिया, बाहर 4s2 ही होता है। ये तरीका भी होता है डायरेक्ट याद रखने का, 26 के आखिर में 6 है तो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ही डायरेक्ट लिख देते हैं 3d6 4s2। लेकिन आयरन +2 स्टेट के अंदर है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें कम करने, वैलेंस शेल के ही कम करेंगे 4s2 के अंदर से, तो कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या बन जाएगी, 3d6 4s0। लेकिन आगे 4p0 भी है, 4d0 भी है, वो तो हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी Fe+2 के बारे में जब हम लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d6 4s0 हो गया, तो आगे 4p भी है, वो भी 0 है, 4d है, वो भी 0 है। अब हम करें क्या, अब ऐसा करेंगे हम कुछ यहाँ पे कि जब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, देखो ओपन फॉर्म में जब हमने इसको लिखा 3d को, तो देखो ये ऐसा था, पहले हंस रूल चला 1 2 3 4 5, देन पेयरिंग विल स्टार्ट, ऐसे करके हमने लिखा 3d को। ऐसे इधर भी हमने लिख दिया देखो 3d को कि 1 2 3 4 5 एंड देन पेयरिंग विल स्टार्ट। और आगे हमने 4s को दिखा दिया, ऐसे देखो 4p को दिखा दिया, देखो ऐसे 4d को भी दिखा दिया, देखो हमने सिमिलरली उधर भी हमने 4s को दिखाया, 4p को दिखाया, और इस टाइप से देखो 4d को भी हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, नाउ वी हैव द सिक्स लिगेंड। सिक्स लिगेंड बोलो यहाँ पे कौन है, वो Cl नेगेटिव है, तो इन प्रेजेंस ऑफ द सिक्स वीक Cl नेगेटिव लिगेंड्स, देखो जो आपके ये लिगेंड होते हैं ना, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, दिस ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ द वीक लिगेंड्स, ये 6 के 6 वीक लिगेंड होते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड हम लिखेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ द सिक्स बोलो कौन, ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, Cn नेगेटिव, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो इसकी प्रेजेंस में जो कॉन्फ़िगरेशन है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Fe2+ आयन नाउ बिकम्स, देखो हम सिर्फ डायग्राम बनाएंगे यहां पे, वीक लिगेंड थे तो इन्होंने देखो कुछ भी नहीं किया, इलेक्ट्रॉन यू के यू रहे, देखो ये 3d है, ये 4s है, आगे 4p है, ये 4d है, ऐसा रहे। लेकिन जो ये 6 Cn नेगेटिव लिगेंड जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है,
इनका काम क्या होता है, दे विल पेड अप द अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे विल पेड अप द अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेड अप कर देंगे यहां पे। देखो कैसे पेड अप किया, उसी टाइप से हमने कॉन्केशन लिखी। देखो यहां पे आपको ये अनपेड दिख रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या दिख रहे हैं बोलो, यहाँ पे चार अनपेड हैं, सिक्स सीएन नेगेटिव लिगेंड आते हैं, तो इसने क्या किया, इन सभी इलेक्ट्रॉन पेयर को देखो पेड अप कर दिया। देखो इस टाइप से इकट्ठे हो गए यहाँ पे 3D के, ये दो ऑर्बिटल देखो खाली हो गए ये। उसके बाद आगे बोलो कौन है उसी टाइप से फर्दर, तो आगे वही हम दिखाएंगे। देखो ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। लेकिन अब करें क्या, सिक्स लिगेंड है, उन्होंने छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। तो देखो सीएल नेगेटिव आया यहाँ पे, ध्यान देना सीएल नेगेटिव, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाया, वन, सेकंड ने यहाँ पे बनाया, थर्ड ने यहाँ पे बनाया, फोर्थ ने यहाँ पे बनाया, फिफ्थ ने यहाँ पे बना दिया, सिक्स ने यहाँ पे बना दिया। तो अब ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स सीएल नेगेटिव ने अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में डोनेट किए हैं, एक तो एस में डोनेट किए, तीन पी में डोनेट किए और दो डी में डोनेट किए। सो दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज द sp3d2। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जो छह आपके साइनाइड आयन आएंगे, देखो ये डी के अंदर दिया क्योंकि अंदर वाले डी खाली हो गए, सेकंड ये थर्ड वन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके यहाँ पे बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर हमने देखो आपको फिर से याद दिलाते, हमने कहा था ना कि एक मेटल एटम होता है, मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिसमें लिगेंड होता है, लोन पेयर लेके आता है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल एटम के साथ बनाता है। तो यही हमने आपके सामने यहाँ पे शो किया है कि वो मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है, ये वैकेंट ऑर्बिटल ही तो है जिसके अंदर ये लिगेंड सीएल नेगेटिव या सीएन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन है डी है और फिर एस है, फिर पी है, फिर थ्री है। ध्यान दें डी टू एस पी थ्री स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि छह लिगेंड है तो स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल इन बोथ ऑफ द केसेस, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी यहाँ। लेकिन यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बना वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, इनर ऑर्बिटल, ध्यान दें मैंने क्या बोला है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाले डी यूज हुए हैं, ध्यान दें ये वाले डी यूज हुए हैं 3D वाले और वहां पे ये 4D यूज हुए थे देखो बाहर वाले। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कैसा है, इनर है या आउटर है, इनर नहीं है, ये ध्यान रखना आप, इनर नहीं है बोलो, ये कैसा है, दैट विल बी द आउटर, क्योंकि बाहर वाले डी यूज हुए हैं यहाँ पे, सो दैट इज द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। साथ के साथ आप वीक लिगेंड वाले केस में देखें, यहाँ पे चार अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, देर आर दी फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेड अप तो नहीं हुए ना, तो इसके अंदर आपको दिख रहे हैं देर आर दी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो सब्सटेंस आपका पैरा मैग्नेटिक होता है या फेरोमैग्नेटिक होता है, जैसे ये फेरोमैग्नेटिक है क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड के सारे पेड अप हो गए, देखो देखो सारे के सारे पेड अप हो गए, तो ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा। या आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर छह की बजाय सात इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होता, तो छह तो अनपेड हो जाते, एक ही होता, तो या हम कहेंगे या लो पैरामैग्नेटिक होगा। लो का मतलब एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जो अगली क्लासिफिकेशन थी हमारी कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होते हैं या वीक लिगेंड कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलो कौन होते हैं, द लिगेंड्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू पेयर अप द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, which have the tendency to paired up the unpaired electrons. Thus, weak ligand कौन होते हैं, which have no tendency to paired up the paired unpaired electrons. Unpaired electron को जो paired up नहीं कर सकते, ये definition है, ये example है। अगला difference क्या बनता है strong और weak ligand में, in presence of the strong ligand, in presence of the strong ligand, inner orbital complex are formed. देखो अंदर वाले d use होते हैं, while in presence of the weak ligand, the outer orbital complex is formed. In presence of the weak ligand, the substance will be paramagnetic or the ferromagnetic. While in case of the strong ligand, the complex will be the either the diamagnetic or will be the low paramagnetic. या वो low paramagnetic होगा। तो ये आपने देखी different type की classification आपके ligands की। तो ये सारी की सारी बातें हमने आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, लेकिन इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर
हमने क्या क्या बातें भी सीख ली, आईपैक नेमिंग भी आपकी बता दी गई है, और आईपैक नेमिंग के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी जो पूछे जा सकते हैं कि अगर क्या नाम है नाम दे दें तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए वो आपको बता दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, देखो वो हम आपको बता दें कि अभी इन दोनों एग्जाम्पल में आपसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर, एग्जाम में ये काफी बार आ चुका है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो एक्स मान के निकालते हो, तो दोनों ही केस में एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 इन बोथ ऑफ द केसेस, इन बोथ ऑफ द एग्जाम्पल। लेकिन अगली डेफिनेशन यहाँ पे आती है जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। पेपर में कई बार ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन होती है द टोटल नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मड बाय द लिगेंड्स विद द मेटल एटम। जो लिगेंड्स हैं उन्होंने मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है K4FeCN6 या दूसरा, तो आप यहाँ पे ये जानते कि जो एक CN नेगेटिव है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 6 CN नेगेटिव लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे, दे विल फॉर्म द 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने, 6। इसलिए जो आयरन है, आयरन आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट विल बी 6, वो 6 होगा यहाँ पे। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये बातें पूछी जाती हैं कि व्हाट इज द या कैलकुलेट या डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द गिवन कंपाउंड। तो गिवन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आप एक्स मान के निकालते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए पहले उसकी डेंटिसिटी कि वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसलिए हमने पहले उसकी क्लासिफिकेशन आपको बताई थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेंटिसिटी, कि मोनोडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट। फॉर एग्जांपल देखो एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूं आपके सामने, मान लीजिए मैंने लिख दिया ऊपर ही देखें CO(En) का थ्राइस Cl3। देखो ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ऊपर, देखो यहाँ पे अब इसमें पूछा गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। तो मीन्स कोबाल्ट को आप एक्स मानेंगे यहाँ पे, इथाइलिन डायमिन न्यूट्रल लिगेंड है तो +0, Cl के ऊपर -1 चार्ज 3 है तो 0, तो x इज इक्वल टू बोलो क्या हो गया +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो देखो 3 आ गया कोबाल्ट का, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें, आपको बताया गया था डेंटिसिटी की डेफिनेशन के दौरान कि जो इथाइलिन डायमिन होता है इट इज ए बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का मतलब एक जो इथाइलिन डायमिन होता है इट फॉर्म्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आपके जो 3 इथाइलिन डायमीन है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, दे विल फॉर्म द 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए जो यहाँ पे कोबाल्ट है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आप निकालेंगे वो बोलो कितना आ गया, दैट इज 6, वो बोलो कितना आ जाएगा 6। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, डेफिनेशन देखी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, डबल सॉल्ट के साथ डिफरेंशिएट किया किसी, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मेन डेफिनेशन देखी, उसके अंदर कितने पार्ट हैं, हर पार्ट का नाम कैसे लिखा जाता है, वही बेस बन गए आपके आईपैक नेमिंग के। तो आईपैक नेमिंग कैसे लिखी जाती है, उसके सारे पॉइंट्स जो थे रूल के वो आपको सारे बता दिए गए, और उसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आईपैक नेमिंग आपको बता दी गई। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ये पूछा जाए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड हमने देखी उसमें एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आई जिसमें स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड को देखा गया। तो आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, जैसे K4FeCl6 की स्ट्रक्चर क्या हमने देखा, ऑक्टाहेड्रल। K4FeCN6 की स्ट्रक्चर क्या है, हमने देखा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन पूछा जाए नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, और K4FeCl6 क्या आया था आपका, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसी कंपाउंड के बारे में पूछा जाए कि बताएं ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो वो भी निकालना आपको सिखाया गया। तो इन सारी चीजों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सो थैंक यू ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।